Uplink satellite. All transmission centers stand by. Ready, yeah? Okay. Transmission on. नमस्ते दर्शकों, आप इस प्रोग्राम में हर हफ्ते कई नामचीन लोगों से मिलते हैं और इसी तरह इस हफ्ते हम आपसे मिलवाएंगे बहुत ही कम उम्र में मुकाम हासिल करने वाले एक कामयाब इंडस्ट्रियलिस्ट से, जिन्होंने दुनिया में अपनी एक अलग मुकाम बनाई है। इतना लंबा सफर तय करने वाले बहुत ही कम लोग होते हैं। वो सफर तय करने वाले अब आपके सामने यहाँ स्टूडियो में आ चुके हैं और वो है मिस्टर विजय। नमस्ते मिस्टर विजय। नमस्ते। देखने में तो आप कॉलेज स्टूडेंट जैसे लगते हैं, फिर अपने शिपिंग कॉर्पोरेशन में इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करके उस कंसर्न के डायरेक्टर कैसे बन गए आप? आपकी कामयाबी का राज क्या है? कहते हैं हर आदमी की कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और मेरी कामयाबी के पीछे जो औरत है वो मेरे सामने खड़ी है। क्या कहा? मैं आपको नहीं कह रहा हूं, वो इस समय टीवी पर मेरा इंटरव्यू देख रही है, उन्हें कह रहा हूँ मैं। ओह, मतलब आपकी शादी हो चुकी है? किसी का नाम लेने का मतलब ये नहीं कि मेरी शादी हो गई हो। तो फिर आपकी माँ होंगी? नहीं, मेरी माँ से बढ़कर मेरी दीदी हैं। मैंने बचपन से अपनी माँ को नहीं देखा, मेरे लिए मेरी दीदी ही सब कुछ है। मिस्टर विजय, क्या मैं आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? मैडम, टीवी पर लोग मुझे देख रहे हैं और आप पर्सनल क्वेश्चन कर रही हैं। अच्छा, आप किसी से प्यार करते हैं? मैं तो 10 से प्यार करता हूँ। 10 से प्यार करते हैं? टेंशन मत लीजिए, सबका नाम बताता हूँ। माय फर्स्ट लव इज माय डैड मिस्टर शशिपुरी। थैंक यू माय सन। मेरे बड़े भैया कृष्णा। भाई, मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करता हूँ। मेरी बड़ी भाभी उमा। मेरा देवर तो कमाल है। मेरे मझले भैया वासु। मेरी छोटी भाभी गिरिजा। हाँ, जरा मुंह इधर को करो। 10 में से आपने 5 का नाम तो बताया, बाकी 5 लोग कौन है? मनोज, गायत्री, काजल, सुमति, वासु। वो तो पहले बता दिया, आप क्यों इतना बार बार चला रहे हैं? पैंट पहनी है ना, इसलिए बच्चों जैसी हरकत कर रहा है। ये रहे वो 10 नाम जिन्हें मैं प्यार करता हूँ। बुआ लोना, बुआ। कंग्रेट्स। थैंक यू। यस, आई लव माय फैमिली। एक लड़का लड़की को प्यार करे, क्या उसी को प्यार कहते हैं? माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, वो भी तो प्यार है। बच्चा माँ को चाहता है, उसका नाम भी प्यार है। माली फूल को चाहता है, उसे भी प्यार कह सकते हैं। हम के जानवर अपने घर पर पालते हैं, वो भी तो प्यार है। मेरे कहने का मतलब ये है कि रिश्तों की बुनियाद प्यार है। ये दुनिया नहीं होती अगर इसमें प्यार नहीं होता। प्यार नहीं तो कुछ नहीं। प्लीज वंस मोर। कोई भी दिख नहीं रहा, कहाँ गए सब? पावर नहीं है क्या? सच बताओ, अरे सच बताओ। अरे चौंका दिया मुझे, ऐसा कुछ नहीं दीदी। सच बताना पड़ेगा। क्या बात कर रहे हो तुम? अरे अरे मुझे बताना। नहीं कुछ नहीं दीदी। अरे भाई तुम चुप करो, वैसा कुछ भी नहीं है, बस मुझे। अरे मुझे बताना कौन है वो लड़की। अरे विजय, कमाल कंट्रोल दिया टीवी पर। आजादी के सिलसिले को कायम रखने के लिए झंडा लहराने आ रहे हैं हमारे स्कूल के डायरेक्टर मिस्टर शशिपुरी जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। इंडिया शिपिंग कॉर्पोरेशन एग्जीक्यूटिव एंड डायरेक्टर्स, इन सब के नाते मैं आप सबको एक खुशखबरी देता हूं। हमें गर्व है, हमारी कंपनी संपूर्ण भारत के टॉप 10 लिस्ट में आ गई है। थैंक यू। लेकिन टॉप 10 से हम संतुष्ट नहीं हैं, हमें टॉप 5 पे पहुंचना है। इसलिए हमें स्विट्जरलैंड की एक कंपनी से कोलैबोरेट करना होगा, और ये आइडिया देने वाले हैं हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर विजय।
इसलिए हम इस बिजनेस की डील करने के लिए मिस्टर विजय को आपके सहयोग से इसे स्विट्जरलैंड भेजेंगे। 1972 में मैं जब फॉरेन से वापस आया था तो तुमने मुझे बाप बनने का सुख दिया था, मगर तुम खुद मुझे छोड़कर भगवान के पास चली गई। अब वो बच्चा बड़ा हो गया है, वो विदेश जा रहा, तुम खुश होना अमृता। डैडी, आप ये फ्लैशबैक में जाना कब बंद करेंगे बताइए, अभी ये सब जरूरी है क्या? विजय, फ्लाइट का वक्त हो गया, चलो निकलो। दीदी को तो आने दो। अरे विजय, उसको स्कूल से आने में देर हो सकता है, तुम जल्दी करो, चलो निकलो। दीदी को देखे बिना कैसे जा सकता हूँ? अरे अगर दीदी नहीं आई तो मैं नहीं जाऊंगा। ए, क्या ये क्या है विजय, तुम भी दांत घिसने से लेकर फ्लाइट पकड़ने तक दीदी दीदी रटते रहते हो। आइए आइए मैडम आइए। सॉरी सॉरी सॉरी। क्यों टीचर जी, आप पंक्चुअल कब होंगी? सॉरी विजय, मैं ट्रैफिक में फंस गई थी। कोई बात नहीं दीदी। विश यू हैप्पी जर्नी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ये सलंगी आपके साथ आएगा तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। ऐसा मेरा सोचना है। उधर से एक शॉर्टकट रास्ता है, हम लोग उधर से चलेंगे। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ ना? है क्यों सर? वेलकम 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 मिस्टर विजय, आई एम नरेंद्र। हेलो, ही इज माय कजिन ब्रदर शेखर। या आई जस्ट मेट हिम इन द एयरपोर्ट। सर इन्हें तकलीफ ना हो इसलिए मैंने इन्हें पहचान लिया। शी इज माय वाइफ रागिनी। हेलो, नमस्ते। अरे बाप रे, मुझे नमस्ते सुनोए काफी साल हो गए हैं। आप नमस्ते रोज सुन सकती हैं, आप इन्हें नमस्ते कीजिए, आपको नमस्ते करेंगे। घर आए मेहमान को बाहर खड़ा करके वापस भेज देना चाहते हो क्या? आई एम सॉरी भाई, बहुत सालों के बाद अपने गांव का कोई मिला ना, इस खुशी में मैं भूल गया था। तो चलिए कम इन कम इन कम इन। यस प्लीज कम इन। मिस्टर विजय, मीट मिस्टर महेश। हेलो, माय पर्सनल सिक्योरिटी। शेखर ने आपके लिए हिल्टन होटल बुक किया था लेकिन मैंने आपके लिए यहाँ पे बंदोबस्त किया है, आपसे बगैर पूछे आई एम सॉरी। नो 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 नो, मैं बचपन से ही जॉइंट फैमिली में जी रहा हूँ, अकेले होटल में रहना मेरे लिए सच में बहुत भारी था, इसके लिए मैं आपको थैंक्स कहना चाहता हूँ। सो नाइस ऑफ यू। अच्छा हुआ आपने होटल बुक नहीं किया, हमारे शहर में शादीशुदा आदमी होटल में रहे तो मामला डेंजर होता है, और आप तो बैचलर है इसलिए मामला डबल डेंजर है। नरेंद्र, सबसे पहले विजय को अपने गेस्ट रूम में पहुंचा दो। शेखर, अभी तक गेस्ट रूम तैयार नहीं है, मेरे ख्याल से विजय को मीना के रूम में ठहरा देते हैं। गुड आइडिया। आओ विजय, तुम यही रहोगे, ये तुम्हारा रूम है। थोड़ा एडजस्ट करके चलना पड़ेगा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे फोन कर देना। ओके सर। वो प्रॉब्लम तो ठीक है लेकिन पहले मुझे दीजिए 100 फ्रैंक। क्यों भाई? आपने मुझसे एयरपोर्ट पर शर्त लगाई थी कि ये शादीशुदा है और मैंने कहा कि ये कुंवारे हैं, मुझे यकीन है कि सर शादीशुदा नहीं है, कुंवारे हैं। अच्छा सोलंकी, तुमने कैसे पहचाना कि मैं शादीशुदा नहीं हूं? बहुत ही कॉमन बात है सर, ये सोलंकी हमेशा अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करता है। आपने मंगलसूत्र नहीं पहना हुआ है इसका मतलब आप कुंवारे हैं। आप इसकी बात का पूरा मत मानना, कल आप अपना ये साइड सीन खत्म करके रात ठीक 8 बजे कूप सेंटर के डिपार्टमेंटल स्टोर में हम मिलेंगे। गुड नाइट। हे आउट। ओके या सोलंकी, या ये मीनू के बारे में बहुत बात हो रही है, कौन है मीनू? अच्छा ये कहीं ये नरेंद्र जी की बेटी तो नहीं? बेटी? अरे कैसी बात कर रहे हैं आप, ये नरेंद्र जी की बेटी नहीं, उनकी बहन है। Mister, why did you click me? No, you see, like... Yes, I saw. Madam, you see, like, I... Yes, I saw. I mean, I was clicking this flower and this flower came in between. What? No. You came in between, not my mistake. Don't repeat it again, okay? Idiot, stupid, nonsense.
sister. Hmm. Why are you chasing me? Wow. I came to this departmental store. No, I'm watching you. Since 15 minutes, you're chasing me, huh? अरे जाना अपना काम कर. क्या कहा? मुझे? खुद को क्या समझ रहा है? खिलाड़ियों के खिलाड़ी? हमारे शहर में आके हमसे ही दादागिरी. ज्यादा होशियारी की ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, याद रखना. क्या बात है, ये तो अपने गांव की है. आपको हिंदी आती है? सिर्फ हिंदी ही नहीं, मैं तमिल जानती हूँ, इंग्लिश जानती हूँ, फ्रेंच जानती हूँ, डच जानती हूँ, इटालियन जानती हूँ, जर्मन जानती हूँ और स्विस भी. ये सब तुम रोड साइड रोमियो का सबक सिखाने के लिए मैंने सीखा. रोड साइड रोमियो कौन है? तू है. अगर तूने मुझे चेस किया, मैं पुलिस को बुलाऊंगी. इडियट, स्टूपिड, नॉनसेंस. फॉरेन लड़कियां सब भूतनी की तरह होती हैं. बाप रे. हाय अंकल, हाउ आर यू? फाइन. आप इंडिया से कब आए? दो दिन पहले आया. ओह ग्रेट. अच्छा, तुम यहाँ अकेले आई हो? मेरा एग्जाम खत्म हो गया, अब वेकेशन स्टार्ट है ना अंकल. आई सी. हॉस्टल से घर जाना है, इसलिए अपने भाई का इंतजार कर रही हूँ, वो मुझे पिकअप करेंगे. What else uncle? How's your wife? अच्छी है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं? Thanks uncle, वो जल्दी ही आ जाएंगे. 500 francs. 500 francs? Yeah. 500 francs मतलब 12,000 रुपए. एक दिन में मुझे भिखारी कर देगी. What nonsense? दीदी, नहीं दीदी, मैंने आपकी तारीफ की है दीदी. ये लीजिए, मैं चलता हूँ. Okay मीनू. Okay, bye uncle. Bye. Hey. Where is my trolley? Excuse me, you know where my trolley is? Trolley? What trolley? I was shopping and I put all my stuff in the trolley and the trolley is missing. Where's my trolley? Sorry, it's clothing time. Please come tomorrow. Oh God. Kya musibat hai? Kitna wait karna padega. ओए मोहिनी, कौन हो तुम? तुम? हाँ? मजाक कर रहे हो? मजाक कर रहा हूँ. गाना गाना आपके शहर में मजाक है क्या? शट अप, मुझे देखकर ही गाना गाया. तुम्हें देख के पागल हूँ क्या? मैडम, मोहिनी का मतलब सुंदर लड़की होता है. तुम्हें देखकर भूतनी कौन हो तुम गाना पड़ेगा. यू? ना 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 ना. इडियट, स्टूपिड, नॉनसेंस, बस यही शब्द आपके मुंह से निकलते रहते हैं. बाकी कुछ तो आपने इंग्लिश में सीखा ही नहीं है ना. ब्लडी फूल. कोई बात नहीं, ये शब्द भी तुम्हें आता है, क्या बात है. वैसे तुम इंग्लिश अटक अटक कर बोलती हो, क्या तुमने इंग्लिश हिंदी मीडियम से सीखी है? यू? ओके, तुम्हारी टेंशन में समझ गया. यहाँ बिना पैसे के आई हो, सामान नहीं खरीद पा रही हो. मैंने जो खरीदा है उसे लेकर खुश होना चाहती हो. सी माई बनियान. ये क्या है, बगैर धोए छोटा हो गया. ये सब मेरे पास कैसे आया? ए चोरनी, ये सब तेरे ही काम है, तूने ही डाला होगा. चोरनी किसको कह रहा है? कल यही सब सामान लेकर मेरे घर आकर कहोगे, मैडम गलती से मेरे पास ये आपका सामान आ गया है. अब थैंक्स मत कहिए. अब थोड़ी देर बाद आप बहुत सुंदर है, फिर कहोगे आई लव यू. काश पहले मिले होते, फिर तुरंत कहोगे हम कहाँ मिलेंगे, डेट पूछोगे. ये सब चक्कर मैं जानती हूँ अच्छी तरह. ये सब सुनने के बाद मुझे लग रहा है तुम वाकई बहुत सुंदर हो. आई थिंक आई लव यू. हम फिर कब मिलेंगे डार्लिंग? ये मैं किसी और लड़की को बोलूंगा, तुम्हें नहीं, समझ गई? हे मिस्टर, तुम मीनाक्षी मंजीत को जानते नहीं हो, मुझसे पंगे मत ले. मीनाक्षी मंजीत? अच्छा तो पति यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ रहा. यू? मेरे पापा का नाम है इडियट. तो तुम्हारे पापा भी इडियट हैं? हो भी सकता है, तभी तो ये सैंपल मार्केट में है. वैसे ये लो अपना सामान और फूटो यहाँ से. मुझे नहीं चाहिए, तुम ही रखो. टैक्सी, टैक्सी. पास में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने, वो भी टैक्सी में. अब चल यहाँ से, जा. ए चल निकल. जा ना. अरे निकल पतली गली से. तू जा. चल निकल. जा 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 जा. अरे तेरी तो भाग.
पागल पागल तुम चुप करो पागल ए गुंडे मेरे रूम में क्या कर रहे हो ए फ्रॉड पहले तू बता तू यहाँ क्या कर रही है पहले तू यहाँ से निकल तू निकल यहाँ से मुझे यहाँ से निकलने कह रहा हूँ हाँ गुंडे कहीं के ऐसे नहीं मानेगा जा यहाँ से बताता हूँ निकल देखती हूँ तुझे ये ले हाँ ये ले सॉरी विजय तुम इन्हें गुंडा बोल रही हो सॉरी बोलो सॉरी बोलो सॉरी बोलो सुनो इनका नाम विजय है इंडिया से आए हमारे गेस्ट हैं और तुम कुछ भी बोले जा रही हो सॉरी बोलो मेहमानों को मारने की आदत तुम्हारी कब से है बोलो सॉरी सॉरी ठीक से कहो मीनू सॉरी 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 दैट्स गुड मिस्टर विजय जानते हो ये कौन है ये हमारी इकलौती बहन है मीनाक्षी मीनू सॉरी विजय वैसे मीना बहुत अच्छी लड़की है मगर उसके भैया ने थोड़ा ज्यादा ही लाड़ प्यार दिया है सॉरी विजय ये सब मेरी वजह से हुआ है अगर मैं 8 बजे उस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता ज्यादा काट लिया क्या नहीं सर कोई बात नहीं तुम्हें भी उसे काट लेना चाहिए था सर मैं प्योर वेज हूँ मुझे काट खाना नहीं आता डोंट वरी मीनू तुम हमारे रूम में आकर रहो ठीक है ना ग्रेट इंसल्ट वेरी ग्रेट इंसल्ट लड़की अगर किचन में जाती है तो उसकी इंसल्ट होती है क्या तुम क्यों गुस्सा हो रही हो तुम्हें क्या हुआ है क्या हुआ है लाइफ में किसी को सॉरी बोला है मैंने नहीं नहीं मैंने तुम्हें साड़ी पहने हुए कभी नहीं देखा फूल उस विजय का क्या हाल करूंगी देखना क्यों क्या तुम मुझे साड़ी पहनाओगी विजय तो वेजिटेरियन है ना हाँ इसका मतलब क्या मुझे काट कर उसे फ्राई करके दोगी अरे तू तो पापी है तुझे क्या काटूं तेरी तरह मेंढक को काट काट कर सूप बनाकर फिर उसे दूंगी मेंढक का बच्चा क्या कहा ये मेंढक है पकड़ो 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 इसे पकड़ो इस मेंढक का सूप बनाकर विजय को दूंगी तो कैसा रहेगा सिंपल विजय बिना पासपोर्ट के एयरपोर्ट पहुंच कर इंडिया पहुंच जाएगा खुदक खुदक कर मेंढक की तरह विजय अब हाथ का दर्द ठीक है मीनू इफ यू डोंट माइंड अगर इस हाथ को भी काट लोगी तो दोनों हाथ का दर्द बराबर हो जाएगा मीनू तुमने विजय को सूप नहीं दिया वो वेजिटेरियन है ना मिक्स ना हो जाए इसीलिए स्पेशल वेजिटेरियन सूप बनाई हूँ अलाती हूँ वेरी गुड वेरी गुड मिस्टर विजय आपने अपनी फैमिली के बारे में नहीं बताया मैं ज्वाइंट फैमिली से हूँ एक साथ रहते हैं इज इट आज के जमाने में ज्वाइंट फैमिली बड़ी खुशी की बात है ये बताइए साथ में कौन कौन रहता है मेरे पापा दो बड़े भाई हैं दो भाभियां हैं भाई के बच्चे हैं मेरी एक दीदी है कुल मिलाकर 10 लोग हैं 10 लोग अरे बाप रे वो घर है या लेबर कॉलोनी मीनू इडियट की तरह बात मत करो सॉरी विजय ये यहीं पैदा हुई थी इसे हमारे कल्चर के बारे में नहीं मालूम आई एम सॉरी आपके लिए स्पेशल वेजिटेरियन सूप पी लीजिए क्या सूप है ये सूप तुम बनाई हो क्या मैडम सूप बनाना नहीं जानती वो तो सिर्फ बना हुआ सूप पीना जानती है किसने बनाया सूप ने मीनू बनाया है मेरा मतलब है मीनू ने सूप बनाया है ऐसा सूप सिर्फ मीनू ही बना सकती है क्यों मीनू मैंने ठीक क्या हुआ मेंढक मेंढक इसमें मेंढक है मेंढक है सूप उबल रहा है मेंढक जल रहा है मेरा मतलब है कि सूप में मेंढक उबल रहा है मैडम इतना क्या है पकेगा तो तेरा सूप बना दो मेरा सूप नहीं नहीं मेरा सूप मत बनाना मैडम सूप पीजिए पी लीजिए ना स्पेशल सूप अच्छा है ना <laughs> <laughs>
सर जूस प्लीज। क्यों भाई, जंगली बिल्ली खतरनाक एक्सरसाइज कर रही है? WWF में जाने वाली है क्या? इस एरिया में सफेद भालू घूमते हैं, आप जंगली बिल्ली की बात कर रहे हैं? ओह अच्छा अच्छा, आप मीनू की बात कर रहे हैं। लगता है अभी तक आपका गुस्सा उतरा नहीं है? कहीं तुम तो नहीं काटने वाले? आप चिंता मत कीजिए सर, वैसे आप उसे नहीं काट पाए इसी बात का दुख है ना आपको, मैं अच्छी तरह समझता हूँ। अगर आप कहें तो चुटकी बजाकर मैं उसे आपके सामने गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर कर सकता हूँ। वो तुम नहीं कर पाओगे। कर सकता हूँ। नहीं कर सकते? कितने फ्रैंक की शर्त? ठीक है 100 फ्रैंक। नहीं कम से कम 200 फ्रैंक। वो क्या है ना मेरे ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा। नहीं वो 200 फ्रैंक राउंड फिगर है ना। ठीक है ओके। सर आप एक काम कीजिए सर, अपना चश्मा उतार कर ये चश्मा पहन लीजिए। अब मैं आपसे जो भी पूछूं ठीक है ओके चलेगा यही कहिएगा, उसके बाद वो लड़की ऑटोमेटिकली आपके सामने गिड़गिड़ाएगी। हाँ सर। मैडम जूस प्लीज। यहाँ आप अपनी मस्ती में लगी हुई है और वहाँ वो आपको देख रहा है। अरे देख रहा है तो देखने दो ना। वो चश्मा पहनकर देख रहा है मीना जी। तो चश्मा पहनकर हाँ। देखने दो मुझे क्या? वो कोई आम चश्मा नहीं है, आपने हॉट मिरर फिल्म देखी है ना? हाँ देखा है। उसमें विलन ने जो चश्मा पहना था वैसे चश्मा है वो। उस चश्मे से कपड़े के अंदर भी सब कुछ दिखता है मैडम। मैं सच कह रहा हूँ, यदि आपको यकीन नहीं है तो फिर मैं अभी आपको यकीन दिलाता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ वैसे आप मानेंगे नहीं। हे भगवान क्या बक रहा है, झूठ बोलता है। झूठ बोल रहा हूँ? ठीक है अभी आपको यकीन दिलाता हूँ। सर हाँ, मेरे राइट पैर में जो मस्सा है वो देखने में कैसा है सर? हाँ बहुत अच्छा है। देखा मैडम, मैं काला हूँ लेकिन फिर भी उसे सब कुछ साफ साफ दिख रहा है, और आप तो गोरी है। अरे बाप रे, अभी क्या करूँ सोलंकी? पानी में कूद जाइए, पानी के अंदर वो नहीं देख सकेगा आपको। इतनी ठंड में? आपको ठंड देखने की अपनी इज्जत बचानी है। इज्जत बचाना है तो फिर जल्दी कूदिए। सोचिए माँ, कूदना पड़ेगा। हाँ, कूदने से ही इज्जत बचेगी। लेकिन मुझे कहाँ खींच के ले जा रही है? देखा मैडम गिड़गिड़ा रही है, देखिए मैडम कितना गिड़गिड़ा रही है। मीना मैडम ठंड के कारण गिड़गिड़ा रही है, लाइए मेरे 200 फ्रैंक दीजिए। ये लो। लेकिन जो मैं देखना चाहता हूँ वो तो दिखाई नहीं दे रहा। आपको नहीं दिखा लेकिन उसे लगा आपने देख लिया है। वैसे आप बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं सर, आपने मुझे बचा लिया, आज मेरा कर्जा पूरी तरह से उतर जाएगा। थैंक यू मिस्टर विजय। काम तो खत्म हो गया लेकिन आप अभी इंडिया मत जाना, कुछ दिन और रहना हमारे साथ। ओके ओके माय प्लेजर। भैया शॉपिंग के लिए आई थी, मेरी फ्रेंड गाड़ी लेकर चली गई, आपके स्पोर्ट्स कार की चाबी दीजिए ना। एक मिनट मिस्टर विजय, मुझे कुछ काम से कनाडा जाना पड़ रहा है, एक हफ्ता लगेगा आने में। मिस्टर शेखर मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरे लौट के आने तक मिस्टर विजय को तुम और मीनू पूरा यूरोप घुमा देना। ओके मीनू। आई वोंट गो। ओह हे मीनू, विजय के ऊपर से तुम्हारा गुस्सा अभी तक नहीं गया? तुमने उसे काटा था, बदले में उसने तुम्हें मेंढक सूप बदल कर दे दिया, टिट फॉर टैट, हिसाब बराबर। ये हमारे गेस्ट हैं और इनकी देखभाल करना हमारा फर्ज बनता है। ओके बेटा। ओके। ओह दैट्स ग्रेट। शी इज गुड। हाय निशा, हाउ आर यू? हाय मीनू, हाउ आर यू? आई एम फाइन थैंक यू, हाउ इज लाइफ? फाइन। तुमने अपनी लवर से शादी कर ली, तुम्हारी मैरिड लाइफ कैसी है? शादी के बाद बदल गया, डिवोर्स हुए 3 महीने भी हो गए, अभी मैं किसी और से प्यार करती हूँ, एंड आई थिंक नेक्स्ट मंथ हमारी शादी है। ओह होप यू हैव अ बेटर लक दिस टाइम। थैंक्स अ लॉट। एक्सक्यूज मी, आप इंडियन है ना? यस, बट हमें यह सेटल हुए काफी साल हो गए हैं। फिर भी आप अपनी सभ्यता को भूलकर प्यार और शादी का अपमान कर रही हैं? जिंदगी में किसी लड़के या लड़की को प्यार एक ही बार होना चाहिए, फिर वो चाहे अच्छा हो या बुरा आखिरी सांस तक उसके साथ ही जीना, यही हमारी सभ्यता है। और आप एक इंडियन लड़की होकर ऐसी अच्छा लगता है आपको? आप इन्हें कांग्रेट्स कर रही हैं वो भी गर्व के साथ। निशा क्या हो गया तुम्हें? मीना आज पहली बार किसी ने मुझे अच्छा क्या है बुरा क्या सब समझा दिया। कौन है ये? बॉयफ्रेंड है? ओह नो, ही इज माय गेस्ट। अगर मुझे इनके जैसा हस्बैंड मिलता तो मेरे साथ जो भी हुआ वो कभी नहीं होता। अ वेरी नाइस जेंटलमैन, बाय।
जिंदगी में किसी लड़के या लड़की को प्यार एक बार होना चाहिए, फिर वो चाहे अच्छा हो या बुरा, आखिरी सांस तक उसके साथ जीना, यही हमारी सभ्यता है। रोलर प्लेट पहनकर जाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा। अरे तुमने तो अच्छी तरह सीखा है ना। Is the highest peak on the Apennine mountain range. You're now on 13,020 feet above the Main Sea Island. The temperature outside is minus 40 degrees Celsius. वहाँ देखो कितनी अच्छी जगह है ना। Superb. Ice Palace. The temperature maintained here is minus 20 degrees Celsius. This keeps the ice statues intact and doesn't melt. You are advised not to stay here for a longer time, as you may freeze. Thank you. बाप रे, कितनी ठंड लग रही है। मालूम है, यही है यूरोप का हाईएस्ट पीक। बहुत खूबसूरत लग रहा है ना? वहाँ देखो। या इट्स सो ब्यूटीफुल। यहाँ का नजारा देखकर मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। वाह, ये क्या क्या डाल दिया, इतनी ठंड लग रही है। रुको रुको, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मीनू रुको, मीनू मीनू रुको। Are you okay? I'm okay. Thank you. One minute. Two hot tea, please. I will give you one. No. Come on. I will give you one. Come on, darling. Come on. Come on, darling. You scoundrel! Oh, come on. Leave me alone. Leave me. Leave my hand. Hey. Hey. What are you doing? Just try to warm her. क्या गर्म करेगा? छोड़ उसे. What? Leave her. I can give direct warm, you know. I said leave her. Yeah. What will you do? फिर मैं गर्म हो जाऊंगा, समझा? What will you? Ah!
sorry. I am really sorry. No more, no more. Please, please, no more. No more. I am sorry. Thanks. किस लिए? उस गुंडे से मुझे बचाया इसलिए। तुम्हारी जगह 80 साल की बुड्ढी होती तो भी यही करता। 80 साल की बुड्ढी का हाथ तुम क्यों पकड़ोगे? 80 साल का बुड्ढा। Announcement for the passengers of the train. The train is ready to departure. बाप रे! अगर ट्रेन मिस हो गई? रुको! Stop please! Stop! Stop please! Stop please! Yes, can I help you? When is the next train? Sorry, the last train has already left. The next train leaves early morning tomorrow. So you have to stay here tonight. Last train miss ho gayi, samajh mein nahi aa raha kya karein. Ab kuch nahi kar sakte, raat ko yahi rukna padega. Is jagah par? Yahan to kabhi andhera ho raha hai to kabhi savera ho raha hai. Pata hi nahi chal raha hai ki raat ke 9 baje hain. Ye tumhara India nahi hai, ye Switzerland hai. इंडिया में 6 बजे सनसेट होने से पॉपुलेशन ज्यादा होता है। तुम इंडिया के बारे में ऐसा नहीं कह सकती। बिल्कुल सही कह रहे हो। वैसे मुझे भी इंडियन दूल्हा ही मिलेगा ना? क्या कहा? तुम्हें और इंडियन दूल्हा? कोई चांस ही नहीं है। ठीक है ठीक है, चलो होटल आ गया। अब होटल के अंदर चलते हैं और रूम बुक करते हैं, ठीक है? मीनू, मेरा रूम किधर है? यहाँ मेरा तुम्हारा नहीं, हमारा है। यहाँ हमें सिर्फ एक ही रूम मिला है, वो भी बहुत मुश्किल से। तुम्हें एडजस्ट करना होगा। ये तुम क्या कह रही हो? हम दोनों एक बेड पर कैसे सो सकते हैं? क्यों? एक बेड पर सोएंगे तो क्या बिगड़ेगा? You sleep this side and I'll sleep that side. एक आदमी अपनी बीवी के साथ सो सकता है या फिर एक बेटा अपनी माँ के साथ, यही हमारी सभ्यता है। और मैडम, आप इन दोनों में से कोई नहीं है, समझी? आई एम सॉरी। कहाँ चल दिए? मैं बाहर जाकर सो जाता हूँ। बाहर जाकर सोगे? ये तुम्हारा गांव नहीं है, ये स्विट्जरलैंड है। बाहर जाके सोगे तो तुम्हें डंडे पड़ेंगे। तुम्हारे साथ सोने से तो बहुत अच्छा है। एक आदमी अपनी बीवी के साथ सो सकता है या फिर एक बेटा अपनी माँ के साथ, यही हमारी सभ्यता है। हेलो शेखर। हाँ हाँ, कहिए, क्या बात है? तुमने और मीनू ने विजय को कहीं घुमाया कि नहीं? असल में क्या है ना, मैं जाना तो चाहता था मगर ऑफिस में कुछ अर्जेंट काम था और मेरी आंख का प्रॉब्लम था। कोई खास बात? कोई खास बात नहीं है। कनाडा आते ही मेरी वाइफ रागिनी ने विजय के बारे में बातें करने लगी। हो सकता है विजय बहुत अच्छा लड़का है, मीनू के लिए विजय की जोड़ी अच्छी रहेगी, मुझे ऐसा लगता है। कैसे कहूँ भाई, जो आपके मन में है वही मेरे मन में है। तुमको विजय की फैमिली के बारे में कुछ पता है क्या? एक्सीलेंट फैमिली है भाई। वाह, फैंटास्टिक। आप एक काम करिए, बिजनेस कोलैबोरेशन आप संभालो, फैमिली कोलैबोरेशन मैं देखता हूँ, ओके? अभी वो दोनों कहाँ पे हैं? गुड मॉर्निंग विजय। गुड मॉर्निंग। कॉफी? hey, क्या बात है, सुबह सुबह नहा धोकर कॉफी भी लेकर आ गई। लुकिंग गुड, दिस इज इंडियन कल्चर। ऑफ कोर्स, आई एम एन इंडियन गर्ल। बहुत अच्छा है। मेरी ड्रेस की बात कर रहे हो? नहीं, मैं कॉफी की बात कर रहा था। मैंने ही बनाई है। बस थोड़ी ज्यादा मीठी है। अरे अरे, मैंने तो सिर्फ 2 चम्मच चीनी डाला है। लगता है कॉफी पाउडर डालते समय तुम्हारी उंगली टच हुई होगी, तभी इतनी स्वीट है। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
तुम्हें सरप्राइज देने के लिए हम लोग यहाँ पे अचानक पहुँचे। मीनू, तुम्हारा आज बर्थडे है, मुझे बताया नहीं? विश यू हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। पता होता तो गिफ्ट लेकर आता। नो नो, आप मुझे गिफ्ट नहीं देंगे, आप हमारे घर में गेस्ट हैं, इसलिए मैं गिफ्ट दूंगी। ए मीनू, मीनू रुको, ये मीनू ये क्या कर रही हो? रुको ना। ए मीनू, ये क्या है सर? आपकी सिस्टर ने तो मुझे अंगूठी पहना दिया। तो अंगूठी पहनने में क्या बुराई है? एक जवान लड़की, एक जवान लड़के को अंगूठी पहनाती है, उसका मतलब पता है? क्या मतलब है? समझाइए ना सर। क्या मतलब है? अपने भैया से ही पूछो। भैया आप ही बताओ ना। भैया बताओ ना, क्या मतलब होता है? जब एक लड़की लड़के को अंगूठी पहनाती है तो इसका मतलब मंगनी होती है। तो क्या हुआ, एक ना एक दिन तो ऐसा होना ही था, तो मैंने एडवांस में कर दिया। ओके मिस्टर विजय, आज आप इंडिया वापस जा रहे हैं ना? हाँ। अपना बैग वगैरह पैक कर लीजिए। ओके सर। मीनू की बर्थडे पार्टी है, उसको धूमधाम से मनाने के लिए मैंने इंडिया से एक म्यूजिक डायरेक्टर को बुलाया है, और मुझे आपसे कुछ पर्सनल बात भी करना है, सो मेक इट फ्री इन इवनिंग। ओके सर, बाय। भैया मेरे बर्थडे गिफ्ट का क्या हुआ? सरप्राइज। ओके विजय, तुम तो मुझे बर्थडे गिफ्ट देने वाले थे ना, तो मैं मांग लूं अपनी गिफ्ट? हाँ तुम मांगो तो। प्रॉमिस? प्रॉमिस। तो फिर आज तुम इंडिया मत जाओ, एक हफ्ते बाद चले जाना। मैं तुम्हें छोड़कर वैसे भी नहीं जाना चाहता, तुम्हारे बिना रहने के बारे में सोच भी नहीं सकता, लेकिन मेरा सिचुएशन ऐसा है। सॉरी मीनू, मुझे जाना होगा। कैसा लग रहा है तुम्हें? ब्यूटीफुल व्यू सर। इसका नाम है लग्जरी लाइनर। ऐसे मेरे पास 12 है, एंड आई हैव 3 ships, 3 जहाज है। कम आइए, वहां चलते। कैन यू सी द प्लेस? वो हरियाली दिख रही है ना? वहां पे 12 acres का गार्डन है। दैट्स माइन। ओह आई सी। और भी बहुत कुछ है, लंदन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, बहुत सारी प्रॉपर्टी, बहुत सारा बिजनेस है। क्या सोच रहे हो? सभी जगह आपके प्रॉपर्टीज और बिजनेस हैं। यू नो समथिंग मिस्टर विजय, ऊपर वाले ने मुझे सब कुछ दिया, सब कुछ दिया, बट ओनली वन थिंग, मुझे बच्चा नहीं दिया, उसका अफसोस नहीं मुझे। मेरी बहन मीनू को मैंने अपने बच्चे की तरह पाला है। क्या कहा मैंने? मीनू को आपने अपने बच्चे की तरह पाला है। मिस्टर विजय, मैं हर साल अपनी मीनू को डिफरेंट डिफरेंट गिफ्ट देता हूँ, कार्स, लैंड बोट, कॉस्टली डायमंड्स, ये सब। आज भी उसका बर्थडे है, इस साल भी मैंने सोचा है कि कुछ अलग हट के उसको गिफ्ट दूं, ऐसा गिफ्ट जो उसके साथ कदम मिलाकर चल सके। क्या कहा मैंने? जो उसके कदम से कदम मिलाकर चल सके। आई मीन मीनू के लिए दूल्हा, हस्बैंड, वो भी इंडियन दूल्हा। कैसा लगा इंडियन दूल्हा? मिस्टर विजय, मेरी इच्छा है कि मेरे मीनू का हस्बैंड इसी कंट्री में रहे और मेरे बिजनेस को संभाले, हम सबको समझ सके, ऐसा मेरी मिसेज भी चाहती है, ताकि वो मेरी बहन को अच्छी तरह से समझ सके, उसे हर वक्त खुश रखे। मेरे कहने का मतलब है, जैसे इंडिया में हाँ कई पति अपना घर छोड़कर रहते ना, घर जमाई, कुछ समझे? ऑफ कोर्स, मेरी सारी प्रॉपर्टी उसी की तो रहेगी, मेरे दामाद की, फिर सारी जिंदगी एंजॉय, समझ गए? अच्छी तरह समझ गया। आई नो, यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल, बिकॉज़ यू आर अ ब्रिलियंट बॉय। बट वन थिंग सर, टेल मी, मेरे हिसाब से आपको इंडिया में शायद ही कोई ऐसा दूल्हा मिले। क्यों नहीं मिले? इंडिया में क्या है, आखिर क्या है इंडिया में? गरीबी, भूख, प्यास, धूप, भय, कचरा, यही जगह जगह जात पात भेदभाव, कुल मिलाकर देखा जाए तो भिखारी देश है, भिखारी। मेरे कहने का ये मतलब है, स्टॉप इट प्लीज। अब आप एक लफ्ज भी मत कहना। आप जो सोच रहे हैं ना कि आपके पैसे के लिए, आपकी अपनी खुशियों के लिए कोई इंडियन अपने घर, अपने देश को छोड़कर यहाँ पर आएगा, तो ये आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलतफहमी होगी सर।
आप ऐसा क्यों नहीं करते हाँ? कि जैसा दूल्हा आपको चाहिए पहले आप इंडिया के प्रेस में एक एडवर्टाइजमेंट दे दीजिए, फिर तो कोई ना कोई बेवकूफ मिल ही जाएगा। विजय सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे जाने का टाइम हो रहा है, मुझे जाकर पहले अपना बैग पैक करना है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, इंडिया पहुंचकर सबसे पहले मैं ये एड प्रेस में दे दूंगा। मिस्टर विजय, मैं जिसके बारे में बात कर रहा था वो आप हैं। मेरे बारे में? यस। ओह माय गॉड, आप मेरे बारे में बात कर रहे थे? यस। मैं समझ ही नहीं पा रहा था। सॉरी सर, मैं आपकी बहन के बर्थडे प्रेजेंटेशन के लिए शॉप से खरीदा जाने वाला गुड्डा नहीं हूँ। मिस्टर नरेंद्र जी, आपने इंडिया की एक लिस्ट बनाई थी है ना, गरीबी, भूख, प्यास, जलन, जात पात का झगड़ा, लेकिन मेरी लिस्ट आपसे अलग है। परिवार, प्यार, लव, दोस्ती, गर्व, रिश्ते, इन सब में जीते हैं हम। कभी सोचा है? इंडिया के बारे में तो आपने बहुत कुछ बता दिया, वैसे यहाँ क्या रखा है? पैसे के अलावा कुछ है यहाँ? प्यार है, परंपरा है, यहाँ पति के सामने बदन दिखाने वाली औरतें मिलेंगी जो बेहद कम कपड़ों में सबके सामने बस खुद को एक्सपोज करती रहती हैं, है? और जब चाहती हैं शादी करती हैं, जब चाहती हैं डिवोर्स देती हैं, यहाँ 6 महीने किसी एक के साथ सोती हैं तो 6 महीने किसी दूसरे के साथ सोती हैं, ऐसे में उनके बच्चों को कैसी कल्चर मिलेगी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्या आपको लगता है कि अब भी मुझे इस देश से कोई डील करनी चाहिए? अपनी डील पर शर्म आ रही है? जस्ट कैंसल माई एग्रीमेंट। क्या कहा आपने? हाँ? इंडिया को भिखारी देश? जिस देश से पढ़कर आप यहाँ आए और बिजनेस करके करोड़पति बने उसे आप भिखारी कह रहे हैं? सिर्फ आप ही नहीं, और भी बहुत से लोग हैं। सर, स्विट्जरलैंड के स्नो पर स्केटिंग करने से ज्यादा हमारे देश में गुल्ली डंडा खेलने में खुशी मिलती है, वो आप भूल सकते हैं मगर मैं नहीं। चलता हूं। अपने आप को क्या समझ रहा है? ब्लडी फूल, मीनू के पति के लिए पेपर में ऐड दूंगा? बहुत चर्बी इसको, किससे कैसे बात करनी भूल गया। इसका कारण तुम लोगों, वो मीनू से प्यार करता है ऐसे ही कहा था ना, इसलिए तो मैंने बात की। ये सच बात है, मीनू भी उससे प्यार करती है और विजय भी उससे करता है। तो मैं क्या करूं, उसका पैर पकड़ के गिड़गिड़ाऊं? तो आप क्या चाहते हो, वो आपका पैर पकड़ कर गिड़गिड़ाए? ए फूल, तुम मीनू के लिए दूल्हा देख रहे हो या अपनी फैक्ट्री के लिए सामान खरीद रहे हो? अपना बिजनेस माइंड इसमें मत लगाओ। शेखर, ए मैं जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो, तुम और तुम्हारी बहन के बीच में मैं कौन होता हूं बोलने वाला, ये ना। मगर आपको याद होना चाहिए, तुम्हारे पिता मरते वक्त मीनू को मुझे सौंप कर गए थे। इसका कारण क्या है तुम्हें पता है? क्योंकि वो अच्छे से जानते थे तुम एक बिजनेसमैन हो, तुम तो पैसे के लिए किसी का भी सौदा करने के लिए तुम एक्सपर्ट हो, बिजनेस तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हो मगर जिंदगी के बारे में कुछ भी नहीं। मीनू को मैंने सारी खुशियां दे दी और वो खुशी आधी ने रह जाए इसलिए मैंने शादी नहीं की, सारी जिंदगी कमारा रह गया, समझे इडियट? अब अगर उसकी खुशियों में किसी ने टांग अड़ाई ना तो मैं चुप नहीं बैठने वाला हूं, इंक्लूडिंग यू। इधर दो, मैं अभी से प्रैक्टिस करूंगी तो अच्छा होगा। मैंने कहा था ना मैं हेल्प करूंगी, तुम वहां बैठो, मेरे होते हुए तुम ये सब क्यों कर रहे हो? विजय, तो डल क्यों लग रहे हो? गांव जाकर मिस करोगे ना, मुझे लग रहा है यही सोचकर तुम बहुत दुखी हो रहे हो, है ना? तुम कहाँ जा रहे हो, आफ्टर ऑल इंडिया ही तो जा रहे हो ना, जब भी मेरी याद आएगी यहाँ आ जाना, वरना मुझे फोन करना, मैं वहाँ चली जाऊंगी। नहीं, अब मैं यहाँ नहीं आ पाऊंगा। Yes, I have no business here. तुम बिजनेस की सोच रहे हो, मैं तो डर ही गई थी, मुझे लगा तुम हमारे बारे में सोच रहे हो। दोनों बात एक ही है मीनू। विजय, सॉरी, मुझे जाना होगा। क्या मतलब? मुझे भूल जाओ मीनू। तुम जा रहे हो इसका मुझे दुख नहीं है,
मगर तुम्हारी हरकतें ज्यादा दुखी कर रही है। मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ। मैं एक लड़की होकर बड़बड़ किए जा रही हूँ, उसी से तुम परेशान हो। तुम्हारी भाषा में मैं एक फूल हूँ, इडियट हूँ। लेकिन अभी इन बातों की सच्चाई अगर नहीं जानूंगी तो जिंदगी भर फूल बनी रहूंगी। विजय, तुम मेरे साथ इतने दिन घूमे फिरे, तुमने एक दिन तो मुझसे प्यार किया होगा। ठीक है, एक दिन तो छोड़ो, सिर्फ एक घंटा, एक मिनट, एटलीस्ट वन सेकंड। नो नो, झूठ बोल रहे हो, यू आर अ लायर। तुम मुझसे प्यार करते हो? नो। यस यस नो यस नो यस नो यस नो नो यस। देखा, तुम अपने दिल से मुझे निकाल नहीं पा रहे हो। हे मीनू, अपसेट मत हो प्लीज। नहीं भैया, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं अच्छी हूँ, मुझे क्यों दुख होगा? दुख होने वाले को दुख नहीं हो रहा है तो मुझे क्यों दुख होगा? देखो, लगेज रेडी है, सब पैक कर दिया, ड्राइवर को आकर ले जाने को कहिए। मैं मिस हो गई, चलेगा, फ्लाइट नहीं मिस होना चाहिए। हम किसी को फोन करते हैं, रॉन्ग नंबर लग जाता है, तो क्या हम दुखी हो जाते हैं? मेरी लाइफ ऐसी थी, अब ऐसी है, सब रॉन्ग हो गया, गुड बाय। मैं आपसे कुछ कह रही हूँ ना विजय। क्यों बैठी हो? हमने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा। मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता, हॉस्टल वापस जाना है। तुम अपने भाई की बात नहीं मानोगी? तुम अच्छी लड़की हो ना? No, मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ। I'm a bad girl and an unlucky girl also. मुझे कोई पसंद नहीं करता, मैं किसी से प्यार नहीं करती, मुझे सब लोग छोड़कर चले जाते हैं, पहले मम्मी, डैडी, फिर वो विजय। सॉरी मीनू, विजय तुम्हें छोड़कर गया उसका कारण मैं हूँ, मेरी गलती है। I'm extremely sorry. सॉरी कहने से कोई फायदा नहीं है, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। हम दोनों कल चेन्नई जा रहे हैं तुम्हारे लवर विजय से मिलने। आर यू हैप्पी? शेखर, तुमको जो अच्छा लगता ना वही कर। ओके। और जब तुम बोलोगे तो मैं फ्लाइट पकड़ कर चेन्नई आ जाऊंगा। राइट। और ये है मेरे पर्सनल रूम की चाबी, उसमें इंडियन करेंसी भी रखा है खर्चे के लिए। ठीक है, ओके। आर यू हैप्पी? मीनू,
उस लेबर कॉलोनी को कैसे संभालोगी यही देखना है। आज हम सब एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं, बहुत ही आनंद आ रहा है। एक साथ तो बैठे हैं लेकिन अलग अलग प्लेस है ना। अच्छा सुनो, सुनने में आया है कि तुम्हारे फ्रेंड मूर्ति की बीबी की डेथ हो गई, क्या तुम्हें पता है? हाँ हाँ मुझे पता है। सिर्फ तुम्हें पता ही है या वहाँ गए भी थे? मैं क्यों जाऊँ पापा? क्या कह रहे हो? इसके पहले भी दो बीवियों की मैयत में जा चुका हूँ मैं, आप नहीं जा सकता। क्या कहा? मूर्ति की तीन बीवियाँ थी, क्या कह रहे हो? वो मूर्ति तो बड़ा किस्मत वाला निकला भाई। पापा जी हमेशा मजाक करते रहते हैं। मूर्ति भी मजाक करता है लेकिन फिर भी कहता है कि शादी हर साल करना चाहिए। वैसे शादी है तो अच्छी चीज। बेटा विजय किस सोच में पड़े हो? जब से स्विट्जरलैंड से तुम आए हो बहुत उदास दिख रहे हो। नहीं तो चाचू मैं जानती हूँ आप उदास क्यों हैं। क्या जानती हो? चाचू यही है ना, ये तुम्हें कहाँ से मिला? आपके तकिए के नीचे से। रुको मुझे वापस दो। गायत्री गायत्री रुको। अरे मस्त हीरोइन है। अरे मुझे दिखाइए के लिए मांगी थी। अरे लाओ मुझे भी दिखाओ। मुझे दिखाना जरा, मुझे भी दिखाना। अरे देखिए पिताजी ये बहुत अच्छी है ना। कौन है ये लड़की? हेलो हेलो, मैं विजय की बहन बोल रही हूँ, क्या मैं मीनाक्षी से बात कर सकती हूँ? ओह यू आर ग्रेट, आई थिंक मैं मीनाक्षी ही बोल रही हूँ। ओह कैसी हो तुम? अच्छी हो ना? बहुत अच्छी हूँ, आपके फोन से खुश हूँ। मीनाक्षी मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। पूछिए। विजय को तुम लाइक करती हो? नो आई डोंट लाइक हिम। क्या हुआ आपकी आवाज बंद हो गई? मैं सिर्फ उसे लाइक नहीं करती हूँ बल्कि आई लव हिम। मैं तो घबरा ही गई थी। लेकिन विजय तो मुझे ठुकरा कर इंडिया चला गया। तुम उसकी फिक्र बिल्कुल मत करो, अपने भाई विजय को अच्छे तरह से जानती हूँ, वो तुमसे प्यार करता है। मीनाक्षी तुम एक काम करो प्लीज, तुम जल्दी से इंडिया आ जाओ। माय फर्स्ट लव पूजा। शेखर हाँ लेट्स गो इट्स गेटिंग लेट। ओह यस मीनू रेडी है? या घर ले जाने वाले थे, यहाँ स्कूल में कैसे ले आए? क्योंकि विजय यही है। विजय यही है? हाँ। विजय यहाँ क्यों? वो क्या है ना उसकी बहन के स्कूल में गेस्ट हाउस भी है। हाँ? स्विट्जरलैंड से आने के बाद उसका मूड थोड़ा खराब लग रहा था, इसलिए अपनी दीदी के साथ रहेगा तो थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, यही सोचकर हमने मीनू मीनू कहाँ चली गई? वो तो बहुत देर से गई। अच्छा बहुत देर से गई हुई है, चलिए आप लोग बैठिए, वो अपने पास जाएगी, बैठिए। ठीक है। कहाँ छू मैं? नो क्या कर दिया मैंने? कौन है वहां? ये आवाज कहां से आई? ये क्या है, फ्रंट और बैक एक तरफ? दा 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 दा।
समथिंग इज रॉन्ग। रात को नींद में तंग करती है, अब क्या दिन में भी तंग करेगी? इस लड़की के बारे में सोच सोच के तो मैं परेशान हो गया। क्या हो रहा है, लगता है मैं पागल हो जाऊंगा। ओ देवी जी, क्यों मुझे परेशान कर रही हो? ये तो मीनू के परफ्यूम की स्मेल है। ठीक है, ओके, मैं मानता हूँ मैं तुम्हें भूल नहीं पा रहा हूँ, मगर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। चली जाओ, प्लीज गेट आउट। नहीं जाओगी? क्यों नहीं जाओगी तुम? हैं? हंस रही हो, मुझ पर हंस रही हो, मेरा मजाक उड़ा रही हो तुम? रुक जाओ, अभी बताता हूँ तुम्हें। भूत, भूत, भूत! ए, मैं भूत नहीं हूँ, फूल। मैं मीनू हूँ, तुम्हारी मीनू। मीनू? मीनू? ए मीनू, तुम स्विट्जरलैंड से कब आई? आज ही चेन्नई आई हूँ और सीधा एयरपोर्ट से आ रही हूँ। कहीं सपना तो नहीं? चिंगोटो? इतनी जोर से चिंगोटी? ये चिंगोटी इसलिए कि तुमने मुझे भूत समझा था। स्टूपिड, इडियट, नॉनसेंस। तुमने दिल में मोहब्बत छुपा कर रखा था, फिर आई लव यू क्यों नहीं कहा? ऊपर से भूत समझ लिया, पागल कहीं के। तुम नहीं जानती मीनू, ये सब तुम्हारे भैया की वजह से हुआ। भैया, 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 तुम मुझसे प्यार करते हो या भैया से? सुनो, तुम दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। That is Miss Meenakshi alias Meenu alias the great idiot. अब ध्यान से सुनो, इस जन्म में तुम्हारे पास किसी और लड़की को आने नहीं देगी ये मीनाक्षी। अब बोलो, I love you बोलो। मीनू? ए, तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं? Say yes or no? Yes. I love you. ऐसे नहीं चलेगा, ठीक से बोलो। मुंह खोल कर बोला और कैसे? मुंह खोल कर नहीं, मुंह बंद करके बोलो। मुंह बंद करके कैसे कह सकता हूँ? अरे ऐसे? क्या? अरे बाप रे, किस? ना बाबा ना। ए, ठीक है, तुम किस्मत करना, मैं करती हूँ। मीनू, मीनू, देखो, देखो, ये गलत है मीनू, ऐसा नहीं करते। नहीं करोगे? देखो, मीनू, मैं सब तोड़ दूंगी। मीनू, जल्दी से करो, जल्दी। मीनू, वो चाकू नहीं, हथौड़ी है। अब क्या हुआ, डर गए? मीनू, बैठो। देखो, ये गलत बात है। चुपचाप बैठो। That's a good boy. क्या करने जा रही हूँ? देखो मैं क्या करती हूँ। मीनू, देखो ये सब शादी से पहले नहीं होना चाहिए। मीनू, ए नहीं विजय, अरे दरवाजा खोलो, विजय दरवाजा खोलो। ए, तुम अगर दरवाजा नहीं खोलोगे तो मैं तोड़ कर अंदर आ जाऊंगी, समझे ना? खोलो, बगैर किसके मैं यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ, दरवाजा खोलो। कौन हो तुम और ये सब क्या चल रहा है? ए, that's none of your business. दरवाजा खोलो, तुम खोलते हो या नहीं? ये बताओ अंदर कौन है? एक कावर्ड, एक डरपोक, जो मेरे भाई से डरकर स्विट्जरलैंड से भागकर यहाँ आ गया। मैंने उसे डराया तो आई लव यू बोला, लव को कंफर्म करने के लिए किस मांगा तो अंदर जाकर छुप गया। मिस, ए मिस नहीं, किस। सुनो, तुम दिखने में तो डिसेंट लग रही हो, स्कूल के गेस्ट हाउस में आकर इस तरह क्यों कर रही हो? अब तुम यहाँ से जाओगी या मुझे पुलिस बुलाना पड़ेगा? बुलाओ पुलिस, बिना किस लिए मैं नहीं जाऊंगी। बाप रे, मैं कौन हूँ तुम ये नहीं जानती? कौन हो तुम, तुम्हें दो सींग है क्या? तुम्हें क्या पता, जो अंदर है ना, मैं उससे शादी करने वाली हूँ। शादी के बाद ये स्कूल मेरा होगा। After that, I'll dismiss you from the job. अगर मैं चाहूँ तो ये शादी रुक सकती है। ए, कौन हो तुम? After all, एक टीचर ही हो ना, ज्यादा उछलो मत। ए, मीनू, इनसे ऐसी बातें कर रही हो तू? वाकई इनके परमिशन के बिना हमारी शादी नहीं होगी, मेरी बहन पूजा है ये। हाँ तो होने दो ना। अरे बहन, अरे नहीं भाभी, नहीं लड़ी, अरे माँ, come on, get up. I'm sorry आंटी, अब मैं वादा करती हूँ आपसे, मैं कभी लिप पे किस नहीं करूँगी और मैं आपकी परमिशन के बिना लिपस्टिक भी नहीं लगाऊंगी। Relax, मैं तो मजाक कर रही थी। विजय, तो मीना को लेकर घर जाओ, अब एग्जाम चल रहा है, दो दिन बाद मैं घर आ जाऊंगी। एंजॉय। बाप रे। विजय, उसके पास जाकर खड़ा हो जा। डैडी, आप थोड़ा लेफ्ट जाइए ना, विजय तो इतना शर्मा मत। अभी तो शर्मा रहा है, कुछ दिन बाद ये आरती की थाली की तरह खुद इसके चक्कर लगाने लगेगा। मेरी प्यारी प्यारी बहू, अपना दाया पैर बढ़ाकर अंदर आओ। 1952 में जब मेरी बीबी अमृता इस घर में आई थी, तब ऐसी आरती हुई थी। 1952 में ना पापा, क्या आप भी हमेशा पिछली बातें करते हैं? अरे आज की बात कीजिए ना पापा, आप भी हरदम फ्लैशबैक में चले जाते हैं, क्या है ऐसा पापा?
बहू मीनाक्षी, तुम तो दिखने में महालक्ष्मी की तरह हो, लेकिन ये कपड़ा तुम पर कुछ अलग ही लग रहा है ना? क्या पापा, इस कपड़े में क्या खराबी है? आप घूम फिर कर फिर फ्लैशबैक में चले जाते हैं। तू अपना मुंह बंद कर, इस घर का मालिक मैं हूँ, मेरे रहते हुए इस घर में मेरा नियम चलेगा। बेटी मीनाक्षी, हमारी दोनों बहुओं को भी टेस्ट देना पड़ा था। कैसा टेस्ट? बहुत सिंपल टेस्ट है, अगर तुमने वो टेस्ट पास कर लिया तभी तुम मेरी बहू बनोगी। ओके, थैंक यू। तुम्हारे पापा टेस्ट लेंगे बोल के चले गए, लेकिन कैसा टेस्ट ये तो नहीं बताया। कम से कम आप लोग तो बताइए, आपको तो पता होगा ना कैसा टेस्ट। देखो डैडी, अगर वेज नॉन वेज कुछ भी तुमसे पूछे तो तुम कहना मुझे सब कुछ अच्छी तरह से बनाना आता है, तभी तुम्हारी भाई से शादी हो पाएगी। ओके, क्या हुआ, यहाँ कोई कॉन्फ्रेंस चल रहा है क्या? आप भी पापा कुछ भी बोलते रहते हो। अरे यहाँ कॉन्फ्रेंस नहीं चल रहा है, आप क्या टेस्ट लेंगे यही सब सोच रहे हैं। नो डिफरेंट, वही खाना बनाने का टेस्ट है। मीनू, तुम किचन का क्या काम जानती हो? किचन? बापरे, किचन में मैं सब जानती हूँ, आप मुझे बस किचन दिखा दीजिए, वहाँ पता है गैस स्टोव, सिलेंडर, माइक्रोवेव, एग्जॉस्ट फैन, फ्रिज होता है, ये सब मैं जानती हूँ। वो सब नहीं बहू, कुकिंग में तुम क्या जानती हो वो पूछ रहा हूँ। कुकिंग में? हाँ, गैस ऑन करके ऑफ करना जानती हूँ। क्या बात है, वेरी गुड, थैंक यू। और कुछ भी नहीं पता? क्यों, गैस ऑन करके पानी गरम करके फिर पानी ठंडा करना पड़ता है। उफ, उफ, तुम क्यों ठंडा करोगी, वो तो अपने आप ठंडा हो जाएगा। सही कह रहे हो। वो सब तो ठीक है बेटी, तुम्हें क्या क्या बनाना आता है? अच्छा तुम ये बताओ, क्या तुम सांभर बना सकती हो? सांभर? सांभर यहाँ का जो फेवरेट है ना वो। हेलो, सुनो, मैं जैसा व्यवहार सबके साथ करता हूँ ऐसा व्यवहार तुम मेरे साथ भी करना, समझे? नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो जाओ यहाँ से, मुझे फालतू बात पसंद नहीं है। क्या हो गया, ऐसे क्यों डांट रहा है? शक होता है, शक होता है तो मैं ऐसे ही डांटता हूँ। कांदा, कांदा, मैं कांदा सांभर बना सकती हूँ पापा। अच्छा, तुम कौन सी करी बना सकती हो? बकरा, भैंसा, गधा, सबका? नो, जिसका आप कहेंगे वो बनाऊं। ऐसी बात नहीं है बहू, तुम कौन सा स्पेशल डिश बना सकती हो? स्पेशल पापा जी? आप एक बार फिर डांटिए ना। अब अचानक मैं कैसे डांटूं, अब तो मैं यही सोच रहा हूँ। अरे भाई, मैं तो खुल्लम खुल्ला बात करना जानता हूँ, मैं भिंडी की तरह बात काटना नहीं जानता। करी बना सकती हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, वाह, थैंक यू सर। एक बार और डांटना पड़ेगा। हाँ, और सब्जी में? सब्जी में 1+1=2, 2+2=4, 4+4=8। ये क्या 4+4=8+8? तुम क्यों पहाड़ बना रही हो लौकी की सब्जी की तरह? लौकी जो लंबा 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 होता है, खूब लंबा। याद आ गया, मैं लौकी की सब्जी बना सकती हूँ। बहुत अच्छे, लौकी की सब्जी तो मेरा फेवरेट डिश है बहू। आजकल मच्छर बहुत तंग कर रहे हैं। सारे टेस्ट में पास हो चुकी हूँ। वो तो खाने के बाद बताऊंगा बहू। करेक्ट करेक्ट, ये सब हम किस होटल से मंगाएंगे? अब तो मैं डांट भी नहीं सकता, इसने डांटने के काबिल नहीं छोड़ा। इस होटल से? इस घर के होटल से। तुम खाना पकाओगी और हम लोग खाएंगे। गेट अप, उठ जाओ। सुनो बहू, 1 बजे के अंदर लंच टेबल पर होना चाहिए। गो, यू सिट डाउन, यू गो, ऑल द बेस्ट। उसमें से आधा सांभर इधर देना। ए, इतनी जल्दीबाजी क्यों कर रहे हो? डालो डालो और डालो। रंग तो बहुत अच्छा है, टेस्ट भी अच्छा होगा। ए, भिंडी अकेले खाओगे क्या? मुझे भी दो ना। ला, मुझे दो। क्या बात है, बहुत अच्छा है, बहुत लाजवाब है, बहुत ही अच्छा है। आप सच कह रहे हैं ना पापा? झूठ तो मैं बोलता ही नहीं बहू, सच बोलता हूँ। तुम्हारा ये जो मीनाक्षी नाम है ना, वो एकदम गलत है। अंडा पूर्णा होना चाहिए था। क्या खाना बनाया है तुमने? फिर इन सबके रिएक्शन ऐसे क्यों है? अरे इन लोगों ने ज्यादा खा लिया है,
अब तुम जाकर कृष्णा को नहीं, नहीं, मुझे नहीं चाहिए, इसको दो। खत्म हो गया, अंदर से लाओ। खत्म हो गया, जाओ जाओ अंदर से लेकर आओ। पापा, आप ऐसे झूठ क्यों बोल रहे हैं? पता है बेटा, खाना अच्छा नहीं है, तुम लोगों की शक्ल से ही मुझे पता चल रहा है। मैं भी झूठ मूठ तारीफ कर रहा हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं पापा? मैं उसके खाने का टेस्ट नहीं, उसके बनाने का इंटरेस्ट देखना चाहता था। तुम लोग देख लेना, इस घर की बहू बनकर वो जिस दिन यहाँ आएगी, तुम सबसे अच्छा खाना बनाएगी वो। मेरी ये बात याद रखना। 10 लोग? अरे बाप रे, ये घर है या लेबर कॉलोनी? एक बात बोलूं पापा, आप बहुत बड़े दिल वाले हैं, आप ये खाना खा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं खा सकता। विजय, तुमको मेरा खाना बिल्कुल पसंद नहीं आया ना? ऐसी बात नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है बहू। मीनाक्षी, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। इस घर की सभी औरतें अच्छी तरह से साड़ी पहनना जानती है, समझी ना तुम? क्या तुम भी जानती हो? हाँ, मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, विजय को भी पता है। ये तुमसे साड़ी पहनने की बात पूछ रहे हैं? साड़ी जरूरी है? यस, तुम जब साड़ी पहनोगी तभी तुम्हारी शादी विजय से होगी। जी, मैं जरूर पहनूंगी, कल से मैं साड़ी ही पहनूंगी। कल से क्यों? तुम अभी उस रूम में जाओ और कबर से साड़ी निकाल कर पहन कर आओ इधर। हम दोनों मिलकर पहन देंगे ना? चलो, रुको रुको, केस सिर्फ इसके लिए है, तुम लोगों का नहीं है, तुम जाओ। दरवाजा बंद कर लेना। जल्दी से तुम लोग खाना खाओ, मैं लॉन में हूँ, जल्दी आना। बाप रे, बस अब हमें भी लॉन में आना है? हमारी जीप तो पहले से जली हुई है, अब और जलाने के लिए बचा ही क्या है? ये तुम क्या कर रही हो? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या कर रही हो? साड़ी पहनने की कोशिश कर रही हूँ। बाप रे बाप, तुम्हें साड़ी पहनने नहीं आती ये पता था, लेकिन साड़ी पहचानती भी नहीं हो ये अभी जाना। अरे ये साड़ी नहीं, धोती है। लेकिन ये तो सिल्क है ना? सिल्क है तो क्या हुआ, सिल्क के और भी कपड़े बनते हैं ना? हे भगवान, ये देखो, इसे कहते हैं साड़ी। अच्छा ठीक है, अब जाओ मैं पहन लूंगी। कैसे पहन पाओगी? लाओ मैं पहना देता हूँ। मुझे शर्म आती है। इतना शर्माओगी ना तो ये साड़ी तुम्हारे हाथों में ही रह जाएगी। डर, हंसी, शर्म, गुस्सा, ये सब साड़ी पहनने के बाद। लाओ लाओ मैं पहनाता हूँ। अच्छा, तुम कैसे जानते हो? कैसे जानता हूँ, मैंने कई लड़कियों को पहनाया जो क्या है। कहा? तुम टेंशन मत लो, मैंने अपने स्कूल के डांस कॉम्पिटिशन में बच्चों को पहनाया, इसीलिए जानता हूँ। फिर तो ठीक है। हाँ? उसी जगह पर वही मस्सा। ये क्या है? क्या है? ओ मस्सा है, अच्छा है ना? है ना, तुम्हें पसंद है? तो ये लो। ये क्या है? स्टिकर है, गलती से चिपक गया था। ओह। Thank you.
क्यों अच्छा नहीं है क्या? तू नौकरानी तो भाग रही थी, तुम कहाँ रह गए थे? This is interval block. ये तो कॉमेडी जैसा लगता है. बहुत सॉरी बहू. क्यों पापा? पहली बार जब तुम इस घर में आई थी तो तुम्हारा ड्रेस मुझे अच्छा नहीं लगा था और चेंज करने के लिए कहा था, और अब इतनी अच्छी लग रही हो कि क्या बोलूं. मैसूर की साड़ी पहने हुई है मैडोना, बोल दीजिए डैडी. चुप कर तू, मेरी बहू को किसी की नजर नहीं लगनी चाहिए. फालतू बातें मत कर, शुभ शुभ बोला कर. डोसा के साथ. हेलो. क्या मैं मिस मीनाक्षी से बात कर सकता हूँ? हाँ, मैं ही हूँ. मीनाक्षी बोल रही हूँ. Who's calling? अपना दोस्त समझिए मुझे. हेलो, आप हैं कौन? आप विजय पर भरोसा मत कीजिए. Hey, मिस्टर. वेट 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 वेट, ये विजय जो है ना, लड़कियों को धोखा देता रहता है. Hey, idiot, bloody fool, बेवकूफ, मेरे विजय के बारे में दोबारा ऐसा बोला तो तुम क्या जानते हो मेरे विजय के बारे में? मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ. फोन रखो. मुझे पता था कि आप मेरी बात का भरोसा नहीं करेंगी. बाहर जाकर देखिए, उसके पीछे घूमने वाले बच्चे उसे पापा कहते हैं. ए, तुम जो बोल रहे हो ना वो बात बिल्कुल सच है, मगर वो वाले बच्चे ना उसे पापा पापा नहीं भाई भाई कहते हैं. उसके पीछे एक और बच्चा घूमने वाला है, वो मेरा और विजय का, समझे ना? मैडम. ए, अब आगे कुछ भी बोला ना तो मैं फोन में घुस कर तुझे थप्पड़ मारूंगी. हिम्मत है तो सामने आ. अच्छा, मैं तो सामने ही हूँ मैडम. विजय. अच्छा, हमारे पीछे एक बच्चा पापा पापा कह के घूमने वाला है, वो कहाँ है? जी. अब आगे से ऐसे बोलोगे क्या? टीचर टीचर हा? नहीं टीचर, मत मारो टीचर, प्लीज टीचर. मैं देख लूंगी. हाँ हाँ, ये लो ये. अरे लो अरे गायत्री, ये लो. तुम इसे क्यों मार रही हो? मैं तुम लोगों के लिए कुछ लाई हूँ, बताओ क्या है. सीफो चॉकलेट. हाँ, चॉकलेट. थैंक यू. जाओ जाके खेलो. ओके. क्या हुआ सर, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? विजय, ये ओह, मैंने आपको इंट्रोड्यूस नहीं करवाया. पूजा दीदी. दीदी, मैंने बताया था ना, ये है मीनू के भाई मिस्टर शेखर, ये मेरी दीदी पूजा. नमस्ते. या हेलो. हाँ बोलिए. मैं आपके लिए कॉफी लेकर आती हूँ. आप उसके दुख के बारे में सोच रहे हैं? वो इतनी दुखी क्यों है मैं आपको बताता हूँ. पूजा की शादी से पहले विजय की शादी क्यों करनी है, यही ना? उसके जिंदगी की कहानी बड़ी दुख भरी है. उसी को भूलने के लिए वो बच्चों को पढ़ाकर अपना वक्त बिता रही है. सुनो बेटा, तुम दुखी मत हो, वो अपने आप को संभाल लेगी. हमें ये सब भूलकर विजय और मीना की शादी पर ध्यान देना चाहिए, समझे? देखिए ऐसा है, लड़की की कुंडली और लड़के की कुंडली को मिलाने के बाद ऐसा योग है कि 6 महीने बाद इनकी शादी कराई जाए तो वैवाहिक जीवन आनंदमय होगा. एक बार ठीक से देखिए ना, अगर शुभ मुहूर्त पहले निकल जाए तो ठीक होगा. समझा, आपको उनका ज्यादा ख्याल है. क्या कहा? नहीं नहीं, वो मैंने बोला कि भाई का ख्याल रख दिया. असल में कुंडली के हिसाब से अगर समझो कि गुरु पर मिल भी जाए फिर भी शुक्र ऊंचाई पर बैठा है,
इसलिए शादी 6 महीने के बाद ही करें, ये किस बेवकूफ ने कहा है? आपने ही तो कहा था 3 महीने बाद भी कर सकते हैं। क्या? और शादी और क्या? शादी की बात है तो ठीक है। अब तो आप खुश है ना? कुंडली मिलाकर तो देखिए। अरे क्या कुंडली मिलाऊं? शादी 100 सालों तक याद रखी जाती है, मगर ये 500 में कब तक याद रखूंगा बताइए? आप खुद ही मिलाओ। देखो देखो देखो, आप नाराज मत होइए, इससे देखिए ना। अरे अरे, मैं खास चीज तो देखना ही भूल गया था, लड़का और लड़की दोनों का राजयोग का नक्षत्र है। ये नक्षत्र क्यों भूल गए थे? अचानक नक्षत्र अचानक ही आते हैं, बताने से पहले आश्चर्य हो रहा है। तो बताइए ना। बताना ही तो मेरा काम है। हाँ बताइए। अचानक नक्षत्र का मतलब है ये शादी कभी भी कर सकते हैं, इनफैक्ट कल भी कर सकते हैं। कल? टुमारो। टुमारो, ठीक है ठीक है ठीक है। बहुत अच्छे पंडित जी, आपने कुंडली को एक बार नहीं 3-3 बार देख लिया है, अब मैं बहुत खुश हूँ। नमस्ते। अच्छी बात है, अब मैं चलता हूँ। अरे बाप रे, क्या हुआ? नहीं नहीं, ऐसा होगा कभी सोचा भी नहीं था, जो हाथ में मिला वो मुंह तक पहुंच नहीं पाया। पापा को ठीक से समझाओ। असल में बात ये है, जमाना बहुत खराब है। अभी अभी मैंने देखा, थोड़ा सा लड़के की कुंडली में दोष तो है, वो लंबा हाथ मारता है। मुझे लगता है शादी से पहले दोनों का मिलना ठीक नहीं है, बात नहीं करनी चाहिए, साथ में नहीं रहना चाहिए। अब समझ में आएगा? तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। पंडित ने जो कहा सुना तुमने? हाँ सुना। तुम्हें फिल्म बनाने के लिए फाइनेंस चाहिए ना? बिल्कुल। सुनो मेरी बात, तुम मेरी मदद करो। कैसी मदद? बताता हूँ। हाँ। तुम्हारा भाई हाँ? और मीना एक दूसरे से मिल नहीं पाए, इसका ख्याल रखना। अगर वो दोनों मिलते हैं और तुम देखते हो तो मुझे जरूर बताना, तब मैं तुम्हें फाइनेंस दूंगा। फाइनेंस करोगे ना? पक्का। अब दोनों को पकड़ना मेरी जिम्मेदारी है। ओके। रिलैक्स। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, कम क्लोज कम क्लोज कम क्लोज कम क्लोज। डैडी, मिस कर दिया। रुको रुको, मुझे दे दो, कपड़े मैं डाल दूंगी। अरे बड़े साहब देखेंगे तो मुझे डांटेंगे। अरे कुछ नहीं कहेंगे, तुम दूसरा काम करो, जाओ। लवर को ढूंढ कर, ब्यूटीफुल टाइटर, ब्यूटीफुल फिल्म डायरेक्टर, नोट माय पॉइंट। ये टेरेस पर क्यों जा रही है, इसका पता लगाना होगा। इसका मतलब हमारा हीरो जरूर टेरेस पर ही होगा। टेरेस टेरेस, लव बर्ड्स लव बर्ड्स लव बर्ड्स। मेरा फाइनेंस रेडी, फाइनेंस रेडी। डैडी, ओ डैडी। चाची चाची, चाचा उधर है। आप चाचू से बात करो, हम लोग सब देख लेंगे। तुम लोग क्या देखोगे? ओफो, कोई आएगा तो आपको बता देंगे। ओह थैंक यू। अरे मीनू, तुम यहाँ कैसे? साड़ी सुखाने के बहाने आई हो? तो फिर साड़ी उतार कर टांग दो। ए डैडी, आइए आइए ना, आज दोनों रंगे हाथ पकड़े जाएंगे। आप इवनिंग तक फाइनेंस रेडी कीजिए, आइए आइए ना डैडी, आइए तो सही। इतनी सीढ़ियाँ चढ़ाएगा मुझे? देखो मुझे शर्म आ रही है, ऐसे मत घूरो, करीब मत आओ। हाँ देखो कोई आ जाएगा, अब गले मत लगाना, गले मत लगाओ। अरे रे 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 रे, ये मेरी बदनसीबी है कि जिससे शादी होने वाली है उसे छुप कर मिलना पड़ रहा है, लेकिन चोरी छुपे मिलने में जो मजा है वो मजा खुलेआम मिलने में नहीं है। देखो कोई आ जाएगा। अरे टेरिस पर कौन आने वाला है? बास आ रही है ना? पपैये का बास आ रहा है। ये पपैये का बास नहीं, मीना का परफ्यूम है, अभी आपको सब पता चल जाएगा। विजय भी ऊपर ही है, फॉलो मी। चलो कम। अरे इधर से नहीं, उधर से आइए ना, जल्दी आइए, आइए जल्दी आइए। चाचू चाचू चाची, वो लोग आ रहे हैं। दादाजी आ रहे हैं, दादाजी दादाजी आ रहे हैं, जल्दी निकल लो। डैडी फॉलो मी, मैंने कहा था ना मीनू टेरेस पर है, फाइनेंस रेडी कीजिए। ए मीनू, तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? किसने कहा अकेली है, हम दोनों भी तो साथ में हैं। आप लोग यहाँ? भाभी पापा, मैं सच कह रहा हूँ, ये लोग नीचे थे, अभी अभी ऊपर आए। खामखा इतनी सीढ़ियाँ चढ़ा कर मुझे छत पर ले आया, कहाँ है विजय? बताना कहाँ है विजय? पापा मैं यहाँ पर हूँ। ए तू वहाँ क्या कर रहा है, नीचे आ। पतंग उड़ा रहा हूँ पापा। पतंग कहाँ है? डैडी ये झूठ बोल रहा है, वहाँ पतंग तो है ही नहीं। ए तू नाटक मत कर। नहीं पापा जी, ये देख नहीं पा रहे ना, इनकी आंखों को प्रॉब्लम है, उम्र जो हो गई है ना। इसकी तुम्हारे पति की? आप भी ना पापा।
उधर देखिए, वो ब्लू रंग का पतंग उड़ रही है। अभी स्काई भी ब्लू है ना, और इसके कारण दोनों ब्लू मिक्स हो गया है, इसलिए आप नहीं देख पा रहे। बस इतनी सी बात है। ब्लू है। हाँ पापा, दिख तो रहा है ना। हे, ब्लू हो या नीला हो तुम्हारा पति नहीं जानता होगा, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। डैडी, ये सब आपस में मिलकर मुझे धोखा दे रहे हैं। परिवार के सब लोग मेरे खिलाफ हैं। तुम क्या इस परिवार के नहीं हो? भैया आइए 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 आइए, आपके साथ जानते हैं ना। अब आप बताइए सच क्या है, यहाँ कोई पतंग उड़ रही है क्या? क्या बात है, खींच खींच, कहाँ लपेट लपेट, कहाँ किधर? हरे रंग का पतंग क्या दिखाई दे रहा है? हरे रंग का बोला ना, अब तुम सब लोगों का झूठ पकड़ा गया है, रंग तो ब्लू है। अरे ब्लू कलर दूर से ऐसे दिखाई देता है, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना। आप भी सेम साइड गोल मारो। डैडी, पतंग उड़ाने के लिए धागा तो चाहिए ना, वहाँ धागा नहीं है, आप आज जाकर देख सकते हैं। चलिए फाइनल सही कीजिए। अरे वो काला धागा है ना, इसलिए तुम्हें नहीं दिख रहा है, अंधा कहीं का। तो मुझे क्यों नहीं दिख रहा है? मैं कौन सा चश्मा पहनूं? बासु पतंग नहीं देख पा रहा है। ए विजय, तू नीचे आ जा। अभी पतंग उड़ा रहा हूँ, नहीं आ सकता। तुम उड़ाओ या मत उड़ाओ, पतंग वही रहेगा, तुम उतरो। ए, अच्छी ओवर एक्टिंग करते हो, मगर ये कंप्यूटर का जमाना है, ये बच्चे भी जानते हैं। अच्छा ये बताओ, हमने तो विजय के लिए झूठ बोला था, पापा आपने ऐसा क्यों बोला? अपने फाइनेंस को बचाने के लिए। अरे ये तो जवान है, इनकी खुशी के बीच हम लोग भला क्यों आए? अब हम किस किस पर रोक लगाएंगे? जब दोनों शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं, तो मैं भी ऐसा नहीं चाहता कि इन लोगों की जिंदगी में किसी भी तरह की कोई तकलीफ है, लेकिन पंडित की बात से डर लग रहा है। 10 लोग या लेबर कॉलोनी? जेम्स, ये तुम क्या कह रहे हो? सुनो मेरी बात, तुम समझने की कोशिश करो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, ये सच है, और मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लव अलग है, लाइफ अलग है। मैं उस लड़की से शादी करूँगा तो मुझे एक अच्छी लाइफ मिलेगी, ऐसे ही लाइफ तुम्हें भी मिले। बेस्ट ऑफ लक। एनीवे, अभी तक तुमने जो मुझे कंपनी दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बाय बाय। तुम्हारी नज़र में लव अलग है और लाइफ अलग, मगर मेरे लिए तो सब कुछ तुम ही हो। हमारे लव मैटर घर में सबको पता चल चुका है, और अगर हमारी शादी नहीं हुई तो तो क्या करोगी, खुदकुशी करना चाहती हो? कर लो ना। उस लड़की से क्या कहा तुमने? तुम कौन हो, उसके भाई हो क्या? हाँ भाई हूँ, यहाँ खुदकुशी होने से पहले कत्ल होगा, समझ गया तू? मिस्टर, ये हमारा पर्सनल मैटर है। पर्सनल मैटर? तुम लव करो किसी और से और शादी करो किसी और से, इसे पर्सनल मैटर नहीं पब्लिक मैटर कहते हैं। तुझे छोड़ूंगा नहीं अगर तूने किसी दूसरी लड़की से शादी की ना। विजय, छोड़ उसको, इधर खड़े हो, मेरी बात सुनो। विजय, विजय छोड़िए, विजय मेरी बात सुनो। उस लड़के ने उस लड़की को धोखा दिया, तो तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? टेंशन की वजह है, आपको कुछ भी नहीं पता कि हमारे साथ क्या हुआ है। दीदी का दुख मैंने देखा है, और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरा परिवार उस दुख को झेल रहा है। इसी तरह एक कमीने से मेरी पूजा दीदी को धोखा मिला। अभी तो मैंने इसे सिर्फ पीटा है, अगर ये बास्टर्ड मुझे दोबारा मिला ना तो जान से मार दूंगा। अरे अरे विजय, क्या बात है मीनाक्षी, तुम इतनी दुखी क्यों लग रही हो? पापा ने विजय से नहीं मिलने का कंडीशन रखा, इसलिए तो मैं उससे पतंग उड़ाने के लिए कहूँ क्या? वो बात नहीं है दीदी, परसों मेरी मंगनी है, लेकिन अभी तक भैया भाभी से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। वो लोग कब आने वाले हैं, किस फ्लाइट से आने वाले हैं? बस इतनी सी बात है, ये लो फोन कर। भैया एक मिनट, मैं बात करती हूँ।
हेलो, मैं विजय की दीदी बोल रही हूँ, आप कौन बोल रहे हैं? मैं मीनू का भाई बोल रहा हूँ। और वहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अभी तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम हो सकती है। अब परसों के दिन आपकी लाडली बहन की मंगनी है और आप अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचे, आपको इतना लेट नहीं करना चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, बस थोड़ी देर में मैं और मेरी वाइफ एयरपोर्ट के लिए निकल रहे हैं। अच्छा सुनिए, फ्लाइट की पहले वाली सीट पर बैठिएगा, तभी तो आप दोनों जल्दी बाहर निकल पाएंगे। ओ, वेट वेट वेट, मैं आपको पका रही हूँ, ऐसा मत सोचिएगा, यहाँ सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, प्लीज। मैडम, ये आवाज मैंने पहले कहीं सुनी है, लेकिन याद याद करके मैं खुद बता दूंगी। क्यों, आपने आवाज तो मेरी ही सुनी थी ना? रियली? आपका नाम विजया तो नहीं ना, लेकिन किस नाम से लोग जानते हैं? विजय ने आपको बताया नहीं क्या? वो मेरा नाम, एक्सक्यूज मी, सॉरी सॉरी, हेलो। अरे तुमने फोन बीच में क्यों छीन लिया? नहीं, मैंने यहाँ पे सारा अरेंजमेंट कर दिया है, सिर्फ आपका आना बाकी है, आप जल्द से जल्द आ जाइए। ये छोड़ो यार, अभी मैं जिनसे बात कर रहा था उनकी आवाज मैंने पहले कहीं सुनी थी, याद नहीं आ रहा यार, बता सकता है? वो क्या है ना, चेन्नई के सारे रिलेटिव्स को हमने इनविटेशन भेज दिया है। इडियट, बेवकूफ, मैं जो पूछ रहा हूँ वो बता मुझे, उसका नाम बता दे, याद नहीं आ रहा मुझे। नहीं याद आने से मुझे याद आ गया, कमिंग मंडे मंगनी की रस्म है, जस्ट रिमाइंड कर रहा हूँ। पागल हो गया क्या तू? मेरी बात का जवाब दे, जो पूछ रहा हूँ मैं। ठीक है, आप आ जाओ, बाकी बातें सामने कर लेंगे। ओके बाय। सॉरी, इट्स ओके, आई एम वेरी सॉरी। डैडी, स्विट्जरलैंड से समथी लोग आ गए। ये है मेरे पापा, मिस्टर शशि जी। नमस्ते। नमस्ते। ये मेरे बड़े भाई कृष्णा जी। ये बड़ी भाभी उमा। नमस्ते। छोटे भैया। नमस्ते। हेलो। छोटी भाभी गिरिजा। नमस्ते। ये मेरी दीदी पूजा। नमस्ते। और ये मेरे भाई के बच्चे हैं, ये कल्याण, हाय, मनोज और श्रुति। हेलो आंटी। लेकिन बेटी, ये कौन है, तुमने नहीं बताया? हमारे हाउस कीपर, सभापति। फिर तुम्हारे पति कहाँ है? वो नहीं आ पाए। अरे भाभी, भैया क्यों नहीं आए? वो जिनेवा एयरपोर्ट तक आए थे, सडनली उनका पासपोर्ट मिस हो गया, लेकिन वो शादी में जरूर आएंगे। लंबे सफर से आई हो, थक गई हो, चलकर आराम कर लो, आओ। आइए आइए। मीनू, अपने भाभी को अंदर लेकर जाओ। सुनंकी, कैसी हो भाभी? भैया का पासपोर्ट कैसे गुम हो गया भाभी? एक्चुअली आई डोंट नो। सोलंकी, तुमने भाई का पासपोर्ट छुपा के रखा। हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया, अब मैं रिलैक्स हो गया। पासपोर्ट छुपाने के चक्कर में मैंने अपना पासपोर्ट पता नहीं कहाँ छुपा दिया, अब उसे ढूंढने के चक्कर में मेरी जान जा रही है, अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। कोई बात नहीं, नरेंद्र आया ना। हाँ। मैं यही चाहता था। Thank God। एक डाउट है बॉस। वो क्या? आपने नरेंद्र का पासपोर्ट छुपाने के लिए मुझे क्यों कहा था? वो सब मैं बाद में बताऊंगा, पहले शांति से कल वाली मंगनी हो जाए बस। अच्छा, ये सांबर है, सब्जी है, भाजी है, सब मिलाकर। I got it. Okay, I get it. क्यों दे? तुम पिक्चर में क्यों दिख रहे हो? क्या आप बताऊं यार? मीनू से बात करना चाहता था, लेकिन ये तो कबाब में हड्डी बने। मैंने स्विट्जरलैंड में ऐसे बहुत लोगों को देखा है, मैं ये सब चुटकी में संभाल लूंगा, आप चिंता मत करो। आप बस मीनू के साथ मस्ती भरी बातें करो, मैं अभी आता हूँ, समझ गए? I'm sorry डायरेक्टर सर, आप फिल्म बना रहे हैं ऐसा कहकर लोगों को झांसा देते रहते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि आपकी फिल्म कहाँ तक पहुँची? सब कुछ रेडी है, लेकिन फाइनेंस अभी तक तैयार नहीं है। तुम हंस क्यों रहे हो? आप चुटकी बजाइए सर, फौरन से मैं आपके लिए फाइनेंस यू ला के रख दूंगा। सच कह रहे हैं आप? सर, मेरे मुँह से कुछ भी निकल सकता है, लेकिन झूठ कभी नहीं निकल सकता। सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, लेकिन एक शर्त है, आपको मैं फाइनेंस तो दिलवा ही दूंगा। हाँ। पर आप मुझे एक बात बताइए, आप अपनी फिल्म में क्या क्या दिखाएंगे? अरे ये तो मुझे आपको बताना ही पड़ेगा। एक मिनट इसे पकड़िए। सर, फाइनेंस अगर रेडी है तो स्टोरी बहुत तगड़ी है इस डायरेक्टर के पास। फर्स्ट क्लास स्टोरी, लव स्टोरी है, टाइटैनिक क्या है, उससे भी अच्छा स्टोरी है। लेकिन ये स्टोरी सुनाने के लिए एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है। क्यों, जहाज टाइटैनिक से भी बड़ा है क्या? नहीं सर,
असल में हीरो और हीरोइन फाइनल नहीं है सर। ये तो बहुत अच्छा मौका है। ए, मैं एक बात बताता हूँ सर। या, या। सर आप इधर आइए जरा। मीनू तुम भी जरा इधर आओ। सर आपको अपनी फिल्म में हीरो हीरोइन चाहिए। ये रहा आपका हीरो, ये रही आपकी हीरोइन। सर आप फाइनेंस दे रहे हैं और हीरो हीरोइन भी दे रहे हैं सर। आप ग्रेट प्रोड्यूसर हैं सर। थोड़ा सा हटना, तुम मेरी फिल्म के हीरो, तुम्हें एक्टिंग करनी पड़ेगी। अरे छोड़ो ना भैया। अरे फाइनेंस रेडी है विजय? ओके ओके, ठीक है एक्टिंग करूंगा। ओके अब मैं सब्जेक्ट बताता हूँ। अभी का सिचुएशन ये है, देखो वंस अपॉन अ टाइम हीरो और हीरोइन जॉइंट 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 ये पानी में मेरे पकड़ रहे हो क्या? नो, दोनों बहुत डीप से लव कर रहे हैं। या। लेकिन उनके माँ बाप को पता चलते ही दोनों अलग हो जाते हैं। चलो दूर हो जाओ, और दूर हो जाओ, और दूर हो जाओ। After a long time, दोनों मिल जाएंगे। एक दूसरे को रोमांस के मूड से देखो, दोनों क्लोज में आओ। कमॉन कमॉन, कट दी टाइम से। क्या है ये? स्लो मोशन में, हाई स्पीड में आओ। कमॉन रिपीट अगेन। या या आओ, और पास, और पास आओ, और पास आओ। अब दोनों गले मिलो। कमॉन। अब मैं क्या करूंगा जानते हो? हीरो और हीरोइन को किस कराऊंगा। ओके हाँ ये तो ओके है। फिर ओके, चलो दोनों किस करो। कमॉन जल्दी जल्दी किस करो, मौका अच्छा है। इस शॉट को मैं राउंड ट्रॉली लगा कर लूंगा। आपको जो अच्छा लगे वो सब लगा लो सर। थैंक यू। कम ऑन, तुम बैकग्राउंड सॉन्ग सुनाओ। वो तो मेरी जेब में है सर। Got it. तुम्हारे बाप ने। बाप हो या बेटा हो, यहाँ डायरेक्टर मैं हूँ, कट केवल मैं ही बोल सकता हूँ। देखो मैंने कहा था कि इन दोनों को मिलने मत देना, और तुम इन दोनों को मिलाकर ही फिल्म बना रहा है। मैं तुम्हें फाइनेंस नहीं दूंगा। अब मुझे आपसे फाइनेंस की कोई जरूरत नहीं है। आई गॉट ए फाइनेंस फ्रॉम स्विट्जरलैंड। प्रोड्यूसर रेडी? सुनिए सर, फाइनेंस कभी भी मिल जाएगा ना? ऑलवेज रेडी है सर। ये सोलंकी अपने मुंह से एक बार जो कह देता है फिर पीछे कभी नहीं हटता। आपको कितना बोतल फाइनेंस चाहिए सर? बोतल? आप मजाक क्यों कर रहे हैं? मैं सीरियसली कह रहा हूँ। सीरियस हो? फाइनेंस, इनोसेंट, लाइसेंस, रोमांस, ये सब सेंट के बोतलों के नाम है। आपने फाइनेंस बोतल मांगा था, चार बोतल का, चार इंटू दो, 8,000 रुपया। 8,000 रुपया बनता है सर। मुझे देना होगा क्या? शेखर मैं नरेंद्र बोल रहा हूँ, मुंबई से बोल रहा हूँ मैं। तुम्हें शौक हो रहा है ना? अरे आवाज नहीं आ रही क्या? अरे 2 घंटे में चेन्नई पहुंच जाऊंगा मैं, तुम गाड़ी लेकर एयरपोर्ट पे आ जाना। ओके हेलो हेलो शेखर, शेखर हेलो हेलो। जगदीश पापा घर पर नहीं है? पापा शादी का कार्ड बांटने गए और भाई साहब कपड़े की दुकान पर। तो फिर घर पर कोई नहीं है? मैं हूँ ना। मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आप बेडरूम में आ सकते हैं क्या? नहीं नहीं ऐसे मत देखिए, आप ही का घर है, प्लीज। कुछ दिनों के लिए आप इस घर में मत आइए। क्यों? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये शादी तभी हो सकती है जब आप एक हफ्ते के लिए यहां से दूर चली जाएं। Are you mad? कैसी बातें कर रहे हैं? मैं विजय की दीदी हूँ और मेरे बिना तो पूजा प्लीज। सॉरी, आई एम सॉरी, सॉरी, आई एम सॉरी। अगर तुम यहां रहोगी तो शादी नहीं होगी। तुम विजय से कितना प्यार करती हो, इतना इतना। लेकिन मैं मीनू के लिए सब कुछ हूं, उसे अच्छी जिंदगी दिलाने के लिए मैंने अभी तक शादी नहीं की और अभी तक कवारा हूं। मीनू के माँ बाप मरते वक्त उसे नरेंद्र को नहीं मुझे सौंप कर गए थे। उसे पालने वाला, पोसने वाला, पढ़ाने वाला मैं हूं, नरेंद्र नहीं। नरेंद्र अगर यहां आ गया तो मुझे नहीं लगता है शादी होगी। नरेंद्र? यस, द सेम नरेंद्र। तुम्हें ऐसे हाल में लाने वाला वही नरेंद्र जिसने प्यार तो तुमसे किया और शादी किसी और से की, वही नरेंद्र।
मीनू का सगा भाई नरेंद्र। कुछ ही देर में वही नरेंद्र यहां आएगा, उसे देखकर तुम गुस्से में आ जाओगी और विजय उसे मार डालेगा। कहीं विजय कातिल ना बन जाए, इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूं, समझे? तुम चली जाओ, कुछ दिनों के लिए यहां से दूर चली जाओ, जस्ट गो अवे। इस शादी का होना ना होना अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, यू कैन डिसाइड। तुम इसी वक्त अपनी बहन को लेकर यहां से निकल जाओ, निकल जाओ अभी। विजय बात सुनो, विजय नरेंद्र को तो मैं मारूंगा ही, उससे पहले मुझे कातिल मत बनाओ। विजय चुप रहो दीदी। मतलब तुम्हें सब कुछ पता था, फिर तुमने मुझसे छुपाया क्यों? मुझे यहाँ आने के बाद पता चला, सच बोलता तो मेरी बहन की जिंदगी नरक बन जाती। ए! तुम्हें अपनी बहन की फिक्र है, मुझे अपनी दीदी की फिक्र है। मेरी दीदी का ये हाल करने वाले की बहन से मैं शादी करूंगा? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं, निकलो यहाँ से। ए, तो फिर नरेंद्र में और तुम में क्या फर्क रह जाता? हाँ, कभी तुम्हारी दीदी थी, आज मीनू, उस दिन नरेंद्र ने जो किया आज तुम कर रहे हो। हाँ ठीक है, हमने जिस तरह ये दुख झेला है नरेंद्र को भी झेलना होगा। विजय, उस हादसे को याद करके अपनी शादी मत रोको, मैं सब कुछ भुला चुकी हूँ। नहीं, तुम नहीं भूली हो, अगर भूल जाती तो किसी और से शादी कर लेती। शादी के बाद पति से अलग रहने वाली बहुत सी हैं, मगर प्यार में अलग होकर तन्हा जिंदगी सिर्फ तुमने काटी है। ए विजय, तुम उसका दिल क्यों दिखा रहे हो? प्लीज समझे करो, प्लीज। इनसे मैं शादी करूंगा। और ये मेरी धर्म पत्नी बनेगी। अगर दोनों परिवारों का कल्याण करना है तो सबसे पहले मैं उस गलती को सुधारूं जो मेरे भाई ने की है। मैं ये नहीं चाहता कि तुम नरेंद्र को मारकर कातिल बन जाओ। मान लो अगर ये शादी नहीं होती है तो इस परिवार का क्या हाल होगा, ये भी जानती है और तुम भी जानते हो, और ये मैं भी जानता हूं। विजय, तुम समाज के रीति रिवाज के अनुसार चलना चाहते हो ना? वन मिनट, शुक्रिया। मैं जिसे चाहता हूं उससे मेरी शादी हो रही है, इसके लिए नहीं, बल्कि आप मेरी दीदी की जिंदगी संवारेंगे उसके लिए। शुक्रिया भगवान। वाह रे वाह, आप तो बड़े खिलाड़ी निकले। इन 3 महीनों में मेरी लाइफ में क्या टर्निंग पॉइंट लाए, मैं तो फिरकी बन गया। आपने मुझे स्विट्जरलैंड भेजकर वहां एक लड़की से प्यार करवाया और वो लड़की वही निकली जिसके भाई ने मेरी दीदी की जिंदगी खराब की थी। मैं उससे बदला लेने की सोचूं, उससे पहले आप मेरी उस लड़की से शादी करवा कर मुझे जंजीर से बांधना चाहते हैं। आप तो बहुत बड़े खिलाड़ी निकले, महान स्क्रीन प्ले राइटर। लेकिन सुनिए, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मैं उसे जब भी सामने देखूंगा तो मेरा पारा चढ़ जाएगा भगवान, इसीलिए मेरे दोनों हाथों को अपनी पूंछ से बांधकर कंट्रोल कर लेना प्लीज। नहीं तो लोग कहते हैं गणपति जी को बनाते समय हनुमान जी बन गए थे, लेकिन मैं हनुमान जी से शुरू होकर
गणपति जी पर अंत करना चाहता हूँ, अच्छी तरह याद रखना, ओके? डैडी मैं क्लाइमेक्स पढ़ता हूँ, आप सुनेंगे क्या? मैं अभी सुनने की मूड में नहीं हूँ। पापा ये मीनू के भाई है। नमस्ते। नमस्ते भैया। तुम्हारी दीदी कहाँ? दीदी यही तो थी। दीदी पूजा दीदी। ये है हमारी इकलौती बहन पूजा। मैंने आपको अपनी दुनिया समझा था। मैं आज तक ऐसा समझती रही कि आप मुझसे प्यार करते हैं, और उसी भरोसे पर मैं अपनी जिंदगी जिए चली जा रही थी। विदेश से आने के बाद आपने मुझसे शादी करने का वादा किया था, लेकिन आपने विदेश में किसी और से शादी कर ली, मुझे धोखा दे दिया। इतना बेहुदा मजाक। पूजा तुम मुझे गलत समझ रही हो। मेरा बिजनेस फैक्ट्री, उसके इम्प्रूवमेंट के लिए मैंने दूसरी लड़की से शादी की। मैं अभी भी तुमसे कह रहा हूँ, मेरा यहाँ आने का कारण तुमसे शादी करना है। Shut up! जिस देश में जाते हो वहीं की लड़की से शादी कर लेते हो, तो क्या यही तुम्हारा बिजनेस है? शर्म करो। मुझे समझो पूजा। लाइफ अलग है, लव अलग है, बट स्टिल आई लव यू। नो, आई हेट यू। क्यों पूजा बात का बतंगड़ बना रही हो? फॉरेन में सब कॉमन है। अच्छा काम करो, तुम भी मेरे साथ फॉरेन चलो, ठीक है? नहीं, मुझे फॉरेन नहीं जाना और ना ही वहाँ का कल्चर अपनाना है। मुझे मेरा कल्चर बहुत ही प्यारा है, क्योंकि मैं इंडिया में पैदा हुई हूँ। इंडिया, इंडिया, इंडिया में क्या रखा है? भोग, भय, गरीबी, बीमारी, कचरा, और भी इससे ज्यादा क्या बोलूं मैं? सब मिलाकर देखा जाए तो इंडिया एक भिखारी देश है। तुमने मेरे प्यार को बेइज्जत किया, फिर भी मैंने चुपचाप सब सह लिया। लेकिन अपने देश की बेइज्जती नहीं सह सकती। निकल जाओ यहां से, निकल जाओ। गेट आउट, थू, गेट लॉस्ट। इस बेइज्जती का बदला तो एक दिन मैं लेके रहूंगा, तुम्हारा सर अपने सामने झुका के। बाय। ये शादी नहीं होगी। मैं इस पागल लड़की के भाई से शादी नहीं होने दूंगा। मीनू चलो यहाँ से। भैया चलो यहाँ से। भैया क्या कर रहे? प्लीज नरेंद्र, तुमने मुझसे प्यार किया, तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने दूसरी शादी भी कर ली, मैं सब कुछ भुला देती हूँ। मैं नहीं भूलना चाहता और ना ही किसी को भूलने दूंगा मैं। उस दिन मुझसे गलती होगी, उसके लिए माफी मांगती हूँ। दुश्मनी तुम्हारी और मेरी है, इनको मत अलग करो प्लीज। मीनू चलो। मैं नहीं जाऊंगी। नरेंद्र, पूजा ऐसी जिंदगी क्यों जी रही है ये सोचकर मैं बहुत दुखी था, लेकिन इसका कारण तुम हो ये मुझे अभी पता चला। लानत है, तुमने उसे धोखा दिया, पर मैंने कुछ नहीं कहा। मेरी बात मानो, जो हुआ उसे भूल जाओ। इन दोनों की मंगनी हो चुकी है, इन दोनों को शादी के बंधन में बंध जाने दो, मैं विनती करता हूँ। मंगनी उसने की है, उसके सामने हाथ जोड़ो। मिस्टर नरेंद्र देखिए, हम बैठकर बातें करते हैं, जल्दबाजी मत कीजिए, आपके गुस्से से आपकी बहन की जिंदगी खराब हो जाएगी। मिस्टर आप अपनी बहन को तो पाल नहीं सके, मेरी बहन के बारे में मत सोचिए। नरेंद्र गलती की शुरुआत तुमने की थी, देखा जाए तो नाराज इन्हें होना चाहिए। ये तो सचमुच इन लोगों का बड़प्पन है जो तुमसे माफी मांग रहे हैं, और तुम अभी भी गलती कर रहे हो। शेखर मेरी जो बेइज्जती हुई है, अपमान हुआ है, उसका दर्द सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ। प्लीज डोंट इंटरफेरेंस इन दिस। नो, मीनू को ले जाने के लिए मैं अलाउ नहीं करूंगा। ए तू कौन होता है? तेरा मेरा संबंध क्या है? तेरी जो इज्जत बची ना उसको संभाल के रख, चल। भाई मैं फिर तुमसे विनती करता हूँ, तुम जरा ठंडे दिमाग से सोचो। ओ माय गॉड, नहीं सोचना नहीं सोचना, कह दिया ना, फिर बार बार भिखारी की तरह भीख क्यों मांग रहा है? इंडियन सारे ऐसे ही होते क्या? क्या कहा तूने? फिर से बोल क्या कहा? तू रॉबर्ट क्लाइव की फैमिली का है? अपनी औकात में रहो तुम। तुम जानते नहीं तुम किससे बात कर रहे हो। थोड़े से देखा ना तुमने, मैंने इसे कहा इसलिए तुम्हें छोड़ा, नहीं तो आज क्या हो जाता पता है तुम्हें? नरेंद्र तुम अभी हमारे मेहमान हो, और मेहमान दुश्मन ही क्यों ना हो, हम उनका अपमान नहीं करते, हम अतिथियों का आदर सत्कार करते हैं, ये हमारा कल्चर है।
नहीं तो तुम्हारे व्यवहार का अच्छी तरह से हम जवाब दे सकते थे, ये तुम जानते हो। इससे पहले कि हम अपना आपा खो दें, तुम यहाँ से चले जाओ। मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, इसी में हमारी भलाई है, प्लीज जाओ। मीनू मैं नहीं जाऊंगी। चलो निकलो यहाँ से। चलो भैया, ले जाओ इसको। भैया छोड़ो, गाड़ी में बिठाओ। मैं नहीं जाऊंगी। पापा पापा, भैया चलो चलो बैठो अंदर। मैं नहीं जाऊंगी। चलो ये लोग तुम्हारे लायक नहीं है, बैठो अंदर। चलो जल्दी, प्लीज। नो नो, सीधे एयरपोर्ट चल। चलो जल्दी भैया, सुनिए भैया। डैडी ये क्या, वो मीना को ले जा रहा है और आप चुपचाप तमाशा देख रहे हैं? कहाँ जाएगा वो, एयरपोर्ट ही ना। विजय कहाँ है? Listen to me. मत ले जाइए मुझे। No. Don't make a scene. जाने के लिए तैयार। Please भैया। तू? आप कौन है? मैं भाई हूं इसका। और मैं पति हूं इसका। शादी किया क्या? जिस दिन उससे मेरी मंगनी हुई थी उसी दिन वो मेरी पत्नी बन गई। ये इंडियन कल्चर है, आपको पता है? देखिए, मैं झगड़ा करने नहीं आया हूं, अपनी पत्नी को लेने आया हूं। क्या कहा? अब अगर हाथ उठाया तो बहुत बुरा होगा। साले हो इसलिए लिहाज कर रहा हूं। इज्जत बचा लो अपनी। Oh!
सर ऐसा क्यों देख रहे हो? हर क्लाइमेक्स में पुलिस आती है, लेकिन यहाँ पर हम लोग आए हैं। थोड़ा चेंज किया क्लाइमेक्स में और कुछ नहीं। पापा, मैं आपकी बहू को ले आया हूँ, ये लीजिए। इसे मेरे पास क्यों भेज रहा है? ये तुम्हारी अमानत है, तू ही संभाल इसे। थैंक्स पापा, विद योर परमिशन मैं कुछ करना चाहता हूँ। ठीक है ठीक है। भैया आप हटिए, सर आप इधर आइए। आइए ना सर। मेरी दीदी को आपने नई जिंदगी दी, इसलिए आपको थैंक यू सो मच। अब गुस्सा थूक दो भाई, गलती तो इंसानों से होती है ना, लेकिन कभी ना कभी हम अपनी गलतियों का प्रायश्चित तो जरूरी है ना, नहीं तो संसार में इंसान कैसे कहलाएंगे। आई एम सॉरी। मुझे क्या सॉरी बोल रहे हो, इन्हें सॉरी बोलिए। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आप सब मुझे माफ कर। कोई बात नहीं बेटा, जब आँख खुलती है वहीं से सुबह की शुरुआत होती है। डैडी, मैं जिस फिल्म को डायरेक्ट करूंगा मैंने उसका टाइटल ढूंढ लिया। डैडी क्या ढूंढा है? लव ऑलवेज विन।